लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है, खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक है। ईश्वर नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता। प्रभास की गर्लफ्रेंड का क्या है नाम? बाहुबली प्रभास फिल्म में करेंगे कैसे स्टंट्स? कौन है प्रभास की बेटर हाफ? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इस जमाने के सबसे पॉपुलर एयर सबसे चहेते सुपरस्टार प्रभास आए दिन अपनी अपकमिंग फिल्मों और अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। जल्दी ही वो अपनी अपकमिंग फिल्म सालार में धमाकेदार एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ साउथ की सुंदरी श्रुति हासन भी लीड रोल में अपने शानदार अभिनय और कातिलानो अदाओं से ऑडियंस को अपना दीवाना बनाती हुई नजर आएंगी। फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर प्रभास नील डायरेक्ट कर रहे हैं। वो इससे पहले केजीएफ जैसी मास्टरपीस फिल्म भी बना चुके हैं और उनकी सी फिल्म को ऑडियंस खूब पसंद किया था, और अब वो अपनी दूसरी मास्टरपीस फिल्म सालार को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में बाहुबली प्रभास अपने बेहतरीन और खतरनाक एक्शन सीन से ऑडियंस की तालियां बटोरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म में वो कई खतरनाक स्टंट्स करते हुए दिखेंगे और इन स्टंट्स को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा प्रोफेशनल स्टंट्स कोरियोग्राफर से ट्रेनिंग ली है। फिल्म में वो मार्शल आर्ट्स और फ्री स्टाइल स्टंट्स करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में ये स्टंट्स बखूबी करने के लिए प्रभास ने फिल्म की शूटिंग के करीब एक महीने पहले से स्टंट्स कोरियोग्राफर से ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। वो रोज़ करीब 1 से 2 घंटे तक फिल्म में अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्टंट्स की ट्रेनिंग लेते थे। कई बार ट्रेनिंग के दौरान प्रभास इंज्योर भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजुरीज को साइड में रखते हुए अपनी ट्रेनिंग बिना रोके रोज टाइम पर प्रैक्टिस की। अब उनके फैंस उनकी फिल्म में उनकी इस मेहनत को देखने के लिए बेकरार है। जब से उनके फैंस को पता चला है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है, तब से उनके डाई हार्ड फैंस बस फिल्म के रिलीज होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो अपने फेवरेट स्टार की मेहनत को खुद देख सके और उनकी इस अपकमिंग फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई प्रभास की फिल्म राधे श्याम से मेकर्स को जैसी उम्मीद थी, फिल्म उनकी उस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वैसे तो प्रभास का बहुत क्रेज है ऑडियंस में, लेकिन ये क्रेज थिएटर में नहीं दिखा। फिल्म में अच्छे कलेक्शंस ना कर पाने की वजह से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी है। ऑडियंस ने राधे श्याम की जगह द कश्मीर फाइल्स को ढेर सारा प्यार देकर एक सफल फिल्म बनाया है। अब देखना ये होगा कि प्रभास की आगे की अपकमिंग फिल्म ऑडियंस के दिल में जगह बना पाती है या नहीं। फिल्म सालार में काम करने वाले एक्टर प्रभास कुछ दिनों से अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबर है कि वो साउथ की लेडी सुपरस्टार अनुष्का शेट्टी को डेट कर रहे हैं। प्रभास के अनुष्का को डेट करने की खबरें लंबे समय से फिल्मिस्तान के गलियारों में चलती रही है, लेकिन कभी भी प्रभास और अनुष्का ने खुद इन खबरों पर किसी भी प्रकार की कोई कमेंट्स नहीं किए। अब ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं, ये तो बस एक राज ही है, लेकिन ऑडियंस को इन दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत पसंद आती है। फिल्म के हीरो प्रभास जल्द ही श्रुति हासन के साथ बड़े स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। उनकी ये फिल्म इसी साल 14 अप्रैल को रिलीज की जा सकती है। फिल्हाल आज के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज से। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट। क्या हॉलीवुड में भी करेंगे प्रभास काम? श्रुति ने कैसे विश किया अपने बॉयफ्रेंड को? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और बॉलीवुड जैसे अलग अलग भागों में बटी हुई थी, लेकिन बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद साउथ के एक्टर प्रभास पैन इंडिया स्टार के रूप में उभरे थे।
इसके बाद की KGF चैप्टर 1 और रामचरण और रामा राव की ट्रिपल आर ने साउथ और नॉर्थ इंडस्ट्री को खा लिया है। अब हर बड़ा स्टार और फिल्म मेकर नॉर्थ और साउथ की ही दूरी को कम करने की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है और जल्द ही इंडियन सिनेमा से ये नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अगर कुछ रह जाएगा तो वो बस बेहतरीन और शानदार फिल्में। पैन स्टार प्रभास जल्दी ही साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म सालार में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ ब्यूटीफुल श्रुति हसन भी फिल्म का हिस्सा होंगी। उनकी इस फिल्म की लगभग आधी शूटिंग पूरी हो चुकी है, बस कुछ ही पार्ट्स शूट होने को बचे हैं और वो शूट्स प्रभास के पूरी तरह से ठीक होने के बाद पूरे कर लिए जाएंगे। फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हीरो प्रभास के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है कि उनके फेवरेट स्टार प्रभास जल्दी ही हॉलीवुड का हिस्सा बन सकते हैं। सुनने में आया है कि प्रभास जल्दी ही हॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। एक न्यूज़ पोर्टल के अनुसार प्रभास को हॉलीवुड की एक सुपर हीरो फिल्म ऑफर हुई है जिसे यूनिवर्सल स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है। फिल्म को लेकर मेकर्स और एक्टर्स के बीच बात हो चुकी है और फिल्म को बनाने वाले मेकर्स के साथ फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले भी प्रभास को अपनी इस सुपर हीरो फिल्म में कास्ट करने के लिए इच्छुक हैं। मेकर्स ने प्रभास को इस फिल्म का हिस्सा बनाने की मोटी रकम दी है। हालांकि अभी तक ये बात साफ तौर से पता नहीं चल सकी है कि प्रभास इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे या नहीं। इस खबर से जल्दी ही पर्दा उठ जाएगा और अगर प्रभास उस फिल्म का हिस्सा होते हैं तो उनके फैंस के लिए ये वाकई में एक बहुत अच्छी खबर होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म सालार में लीड रोल में नजर आने वाली साउथ की सुंदरी श्रुति हसन ने अपने बॉयफ्रेंड शांतनु हजारिका के बर्थडे पर उनके लिए इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें के साथ एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शांतनु को उनकी लाइफ का एंगल बताते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। वो उनकी जिंदगी में आए और उनकी इतनी केयर की, इसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगी। श्रुति के पोस्ट करते ही उनके फैंस ने शांतनु को बर्थडे विशेस करने शुरू कर दिए हैं। शांतनु और श्रुति लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दोनों कपल इस साल के अंत तक शादी कर सकते हैं। फिलहाल अनुष्का अपनी फिल्म सालार को लेकर काफी बिजी हैं। फिल्म में उनके साथ प्रभास भी लीड रोल में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। उनकी ये फिल्म अगले साल यानी 2023 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो से और यहाँ हम आपको देंगे बॉलीवुड की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। साउथ एक्टर प्रभास की तबीयत, क्या शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं अवैना सनाज आपके लिए लेकर आई हूँ सलार मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग मूवी सलार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी अभी में रिलीज हुई मूवी राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी। प्रभास के फैंस को उनकी मूवी सलार का बहुत दिनों से इंतजार है। बताया जा रहा है कि इस मूवी में एक बार फिर से प्रभास एक्शन सीन्स करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इस मूवी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है, जिसे जानने के बाद प्रभास के फैंस काफी निराश नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है मामला। प्रभास की आने वाली मूवी सलार को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। इस मूवी की शूटिंग को अब रोक दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी हालिया रिलीज मूवी राधे श्याम के बाद एक सर्जरी के लिए विदेश चले गए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रभास को मूवी सलार की शूटिंग के दौरान एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। ताजा जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रभास की चोट को पूरी तरह से ठीक होने में अभी 2 महीने और लगेंगे, जिसकी वजह से सलार की शूटिंग को रोक दिया गया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मूवी सलार साल 2023 में रिलीज होनी है। इस मूवी में प्रभास के साथ साथ श्रुति हसन और रघुपति बाबू भी नजर आने वाले हैं। एक एक्शन मूवी होने वाली है। राधे श्याम के बाद फैंस को प्रभास की इस मूवी का कई दिनों से इंतजार है। अब देखना होगा कि क्या ये मूवी अपनी 10 साल में रिलीज हो पाती है या नहीं। क्या हो सकता है फिल्म में आइटम सॉन्ग? कैसा है जगपति बाबू का लुक फिल्म में? वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पलक और आज आपके लिए लेके आई हूँ सालार मूवी से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सालार बाहुबली की अपकमिंग जिसने लोगों की धड़कनें बढ़ा कर रखी है क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई उनकी मूवी राधेश्याम बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, इसलिए उनके फैंस मूवी से कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूजुअली फिल्म की स्टोरी डायरेक्टर्स लिखते हैं, लेकिन इस मूवी की स्टोरी में कुछ अलग है। इस फिल्म की कहानी लिखी है हमारे अपने बाहुबली ने। लगा ना झटका, हमें भी जब लगा था झटका तब हमने भी इसको ठंडा किया था। दोस्तों अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने फेवरेट सुपरस्टार द्वारा लिखी गई कहानी पर क्या रिएक्शन देते हैं। अब ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि उनका टैलेंट अच्छा है या बुरा। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी किसी भी फिल्म के साथ कोई भी चांस लेना गवारा नहीं करते। वो अपनी फिल्म में बेस्ट से बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर को कास्ट करते हैं जिससे उनकी फिल्म गलती से भी फ्लॉप ना हो। इसी लेगेसी को आगे ले जाते हुए प्रशांत अपनी सालार मूवी में एक बहुत ही धाकड़ सॉन्ग रखने वाले हैं और इस सॉन्ग में हमें नजर आएंगी विक्की की कैट यानी कैटरीना कैफ, जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना रखा है। इसके पहले उन्होंने बॉलीवुड में काफी आइटम सॉन्ग्स पर ठुमके लगाए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि वो किसी साउथ मूवी में ठुमके लगाती नजर आए। अब हमारी चिकनी चमेली का जादू कितना चलता है टॉलीवुड में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिल्म में बात करें हम साउथ के फेमस एक्टर जगपति बाबू के बारे में तो बता दें कि उन्होंने साउथ की बहुत सी फेमस मूवीज में काम किया है। अब इसी के साथ उन्होंने अपकमिंग फिल्म सालार को साइन किया और मेकर्स ने हाल ही में उनका सालार में लुक डिस्क्लोज किया जिसमें ऐसा लगता है कि वो एक बुलेट का रोल अदा करने वाले हैं। इस पोस्टर को देखते ही लोगों ने कमेंट किया कि हम इस मूवी का और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। सकता है आइटम सॉन्ग प्रभास कर रहे हैं इन पांच बड़ी फिल्मों की तैयारी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्री शाह और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों सालार मूवी साउथ इंडस्ट्री की काफी बड़ी मूवी होने वाली है। इस मूवी को काफी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी को KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और बात करें इसके लीड एक्टर की तो प्रभास और श्रुति हसन इस मूवी में अहम भूमिका निभाएंगे। बात करें सालार की तो कुछ लोगों का कहना था कि ये मूवी साउथ की उग्रम की रीमेक है, लेकिन प्रशांत ने इन सभी बातों को गलत बता दिया है। बट फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि ये हॉलीवुड मूवी की कॉपी है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मूवी किसी की रीमेक नहीं है और इसे ओरिजिनली लिखा गया है। दरअसल इस मूवी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया है जो सिर्फ अब तक हॉलीवुड मूवीज में ही यूज होता है। खबरों की माने तो इस मूवी में डार्क सेंट्रिक थीम टेक्नोलॉजी की मदद से शॉट लिया गया है जो कि इंडिया की पहली किसी मूवी में ये यूज हुआ है। ना ही बॉलीवुड इंडस्ट्री और ना ही साउथ इंडस्ट्री में आज तक ये यूज हुआ था और ये हॉलीवुड की हर मूवीज में यूज होता है। इसका इस्तेमाल हॉलीवुड के कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसे बैटमैन और मैट्रिक्स में हुआ है और अब इसे साउथ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपनी मूवी में यूज किया है। तो सालार बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें कई फेमस एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी के म्यूजिक को रवि कंपोज करने वाले हैं। बात करें इस फिल्म के सॉन्ग की तो हमें मूवी के कई तरीके के सॉन्ग देखने को मिलेंगे जिन्हें काफी अच्छी तरह से शूट किया गया है। इन सब के अलावा खबरों की माने तो इस मूवी में हमें एक आइटम सॉन्ग देखने को मिल सकता है। साउथ की सभी बड़ी फिल्मों में हमें एक आइटम सॉन्ग तो जरूर देखने को मिलता है। प्रशांत की फिल्म KGF के आइटम सॉन्ग में मौनी रॉय नजर आई थी, लेकिन बात करें सालार की तो इस फिल्म के आइटम सॉन्ग में हमें काजल अग्रवाल नजर आ सकती हैं। वैसे अभी कुछ दिनों पहले ही ये भी रूमर्स आए थे कि प्रशांत बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को इस आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट करने वाले हैं। खैर इन दोनों में से कौन दिखेगा आइटम सॉन्ग में ये तो सॉन्ग रिलीज होने के बाद पता चल ही जाएगा। दोनों ही काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और दोनों ही इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगी। साथ ही प्रभास को बाहुबली मूवी से काफी फेम मिला था जिसके बाद वो हमें एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आ रहे हैं। हाल ही में वो हमें राधेश्याम मूवी में नजर आए थे जिसमें उनकी रोल काफी अलग था। बात करें उनकी बिग अपकमिंग मूवीज की तो प्रभास हमें सालार में तो दिखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा ये हमें बाहुबली 3 आदि पुरुष स्प्रिट और राजा डीलक्स मूवी में भी नजर आएंगे। इनमें से कुछ मूवीज 2022 में और बाकी 2023 में रिलीज होंगी। खैर प्रभास की इंजरी के वजह से अभी सालार की शूटिंग रुकी हुई है, लेकिन मेकर्स जल्द ही कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन, किस चीज में बिजी है फिल्म के डायरेक्टर, क्या मूवी बनेगी दो पार्ट में। टॉलीवुड के फेमस एक्टर जिसने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया है,
वो अपने फैंस के लिए लेके आ रहे हैं अपनी एक बहुत ही धांसू फिल्म सालार, जिसको लेके बहुत लोग एक्साइटेड हैं। और एक्साइटमेंट की वजह ये है कि दरअसल हाल ही में प्रभास की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, इसलिए उनके फैंस इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। लेकिन उनके फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है, सालार फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। इसकी वजह है कि हमारे अपने बाहुबली को शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग में थोड़ा ब्रेक लग गया। प्रभास की फैन इस न्यूज से काफी काफी ज्यादा अपसेट है। जिस फिल्म का हमने इतनी बेसब्री से इंतजार किया, अब वो पोस्टपोन हो गई। इसी के साथ उनके फैंस उनकी स्पीच रिकवरी के लिए भी प्रेयर कर रहे हैं। अब कब तक हम सब के चहेते बाहुबली रिकवर करते हैं, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। वैसे तो अब सब इस फिल्म के डायरेक्टर को जानते ही होंगे, और भाई वही जिसने इंडिया को एक सुपरहिट मूवी के पीछे पागल बना दिया है। सोचिए सोचिए, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे, केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील। दरअसल प्रशांत नील इन दिनों अपने एक्शन सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 के प्रमोशन में बिजी है, इसलिए सुपरहिट मूवी बाहुबली की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। अरे भाई, जब किसी फिल्म का क्रेज इस प्रकार हो तो उसका प्रमोशन में इतना काम रहता है, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी बिजी हो जाता है। ऐसे में क्या बाहुबली फिल्म डायरेक्टर से नाराज हो जाएंगे, या फिर उनके लिए ये बहुत बड़ी बात साबित होगी? वेल, ये सब तो अब प्रभास के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्या पुष्पा की तरह ये फिल्म भी बनेगी 2 पार्ट में? आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं अचानक से यहाँ पुष्पा द राइज का नाम क्यों ले ली? तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुष्पा के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन हर जगह से फिल्म के लिए बढ़ गई है, अब वो इंटेलिजेंस हो, गाना हो या फिल्म की स्टोरी। तो इसलिए मेकर भी इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने का सोच रहे हैं, जिससे ऑडियंस में पहले से ही क्रेज बन जाए और बाद में पहला पार्ट रिलीज हो लोग उसके दूसरे पार्ट के लिए डिमांड करने लग जाए। दोस्तों, ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैसा क्रेज पुष्पा है कहे वैसे ही लोग क्रेज सालार को दे पाएंगे या फिर नहीं, या फिर ये फिल्म राधे श्याम की तरह ही फ्यू पड़ जाएगी। टॉप 5 रोल्स, कौन से रोल्स ने बदला प्रभास का करियर? क्या था बाहुबली प्रभास की फिल्म का टर्निंग पॉइंट? क्या है प्रभास की स्ट्रगल स्टोरी? आखिर क्या है हम सब के फेवरेट बाहुबली प्रभास की सक्सेस जर्नी? चलिए जानते हैं। साउथ इंडस्ट्री की जान और शान प्रभास, जो उनकी फिल्म बाहुबली की सक्सेस के बाद बाहुबली के नाम से भी जाना जाते हैं, प्रभास के करियर की शुरुआत इंडस्ट्री में हाई बजट फिल्म्स और हाई स्टारडम से नहीं हुई थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अगर इंसान में टैलेंट है तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसे ही है हमारे प्रभास। अपने टैलेंट और हार्ड वर्क से आज प्रभास ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली है। अब बात करते हैं प्रभास के करियर के टॉप 5 रोल्स की। प्रभास के करियर का मोस्ट लव कैरेक्टर था बाहुबली। प्रभास ने फिल्म बाहुबली में लीड रोल प्ले किया था, जिसमें उन्होंने एक पावरफुल प्रिंस बाहुबली का किरदार निभाया था। इस रोल ने प्रभास को सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड तक भी फेमस कर दिया था। उनकी फिट, पावरफुल और चार्मिंग पर्सनालिटी इस रोल पर काफी परफेक्ट लग रही थी और उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियंस का भी खूब प्यार मिला था। इस फिल्म के बाद प्रभास बाहुबली नाम से इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर भी हुए। फिल्म वर्षम में प्रभास ने लव बर्ड वेंकट नाम का किरदार निभाया था। वेंकट की क्यूट रोमांटिक पर्सनालिटी ने सभी फीमेल फैंस को अपना दीवाना बना दिया था। अब बात करते हैं उनके किरदार विक्की की। प्रभास ने फिल्म मिस्टर परफेक्ट में विक्की नाम के लड़के का किरदार निभाया था। विक्की एक गेमिंग एक्सपर्ट था। विक्की के मस्त मौला अंदाज में आजकल की यूथ को लाइफ एंजॉय करने के लिए काफी एनकरेज किया था। प्रभास के इस किरदार के हिट होने का स्पेशल रीजन था ऑडियंस का प्यार। अब बात करते हैं उनके सुपरहिट रोल ऋषि की। प्रभास ने फिल्म रिबेल में ऋषि नाम का किरदार निभाया था, जिसमें उनको एक एक्शन हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया था। इस रोल के बाद उन्होंने प्रूव कर दिया था कि एक्शन सीन्स में उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। अब बात करते हैं प्रभास के क्यूटेस्ट रोल की, जो कि उन्होंने डार्लिंग फिल्म में प्ले किया था। इस फिल्म में प्रभास ने एक रोमांटिक लवर का रोल प्ले किया था, जिसमें उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस थी काजल अग्रवाल। इस फिल्म में प्रभास और काजल की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था और प्रभास ने अपने क्यूट और चार्मिंग अंदाज से प्रूफ कर दिया था कि चाहे रोल क्यूट पर्सनालिटी का हो, चाहे विलन का, या फिर एक पावरफुल प्रिंस का हो, या फिर एक इजी गोइंग एटीट्यूड वाले लड़के का, प्रभास हर रोल परफेक्शन के साथ ही एक्ट करते हैं। प्रभास ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो एक एक्टर बनेंगे, बल्कि उनका इंटरेस्ट हमेशा से एक बिजनेसमैन बनने में था। लेकिन कहते हैं ना,
किस्मत आपको सही रास्ते पर ले ही आती है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रभास के साथ। करियर की शुरुआत में प्रभास को कुछ खास प्रोजेक्ट नहीं मिले, लेकिन अपने एक्टिंग स्किल्स के दम पर प्रभास ने अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद रास्ता बनाया। प्रभास को फैंस प्यार से डार्लिंग प्रभास कहकर भी बुलाते हैं। फैंस के इस प्यार का रीजन और कुछ नहीं बल्कि प्रभास का डाउन टू अर्थ नेचर है। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यही होता है एंड, और बाहुबली प्रभास की सक्सेस स्टोरी। चलिए जानते हैं साउथ इंडस्ट्री की जान और शान प्रभास को। उनके फिल्म बाहुबली की सक्सेस के बाद बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। प्रभास के करियर की शुरुआत इंडस्ट्री में हाई बजट फिल्म्स और हाई स्टारडम से नहीं हुई थी, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, इंसान में टैलेंट हो तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही है हमारे प्रभास। अपने टैलेंट और हार्ड वर्क से आज प्रभास ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली है। अब बात करते हैं प्रभास के करियर की टॉप 5 फिल्म्स की। प्रभास के स्टारडम की शुरुआत उनके फिल्म मिर्ची के रिलीज से हो गई थी। ये फिल्म 30 करोड़ रुपीज के बजट पर बनाई गई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए कमाए थे। इस मूवी के बाद हुई थी प्रभास की एक्चुअल सक्सेस स्टोरी की शुरुआत। प्रभास के करियर का टर्निंग पॉइंट था बिग पैन इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट बाहुबली। इस फिल्म ने प्रभास को इंडस्ट्री में अलग पहचान दी थी। इस फिल्म के बाद प्रभास के चर्चे सिर्फ साउथ इंडस्ट्री तक ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड तक भी हुए। बाहुबली फिल्म में प्रभास के लीड रोल को ऑडियंस का जमकर प्यार देखने को मिला और इस फिल्म के दोनों ही पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुए। प्रोजेक्ट्स बाहुबली ने प्रभास के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप किया है। प्रभास का नेक्स्ट प्रोजेक्ट था शाहो, जिसमें उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की श्रद्धा कपूर। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ कमाए और इस फिल्म के बाद प्रभास का नाम बॉलीवुड में भी पॉपुलर हो गया। प्रभास की नेक्स्ट सुपरहिट फिल्म्स थी मिस्टर परफेक्ट और वर्षम। हालांकि इन फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, पर प्रभास के एक्टिंग स्किल्स को इन दोनों ही फिल्मों में काफी अप्रिशिएट किया गया और फैंस ने भी उनके टैलेंट को काफी सपोर्ट किया। अब बात करते हैं प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट सालार की। प्रभास इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं और ऑडियंस के बीच भी इस फिल्म को लेकर अलग ही एक्साइटमेंट है। बात की जाए सालार के एंटरटेनमेंट फैक्टर की तो इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म में बाहुबली प्रभास की एंट्री हो और फिल्म एंटरटेनिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म की कास्टिंग और उसमें प्रेजेंट किए जाने वाले धमाकेदार थ्रिलर सीन्स की बात की जाए तो उम्मीद है कि ऑडियंस की नजर स्क्रीन से बिल्कुल भी नहीं हटने वाली है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सालार बन सकती है प्रभास के करियर की अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यही होता है एंड, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर पाए होंगे। था फेक टीजर में कौन कौन सी फिल्में सेम टाइम पर रिलीज होंगी, क्यों होगा इंडियन सिनेमा के लिए इतना क्रूशियल टाइम नेक्स्ट ईयर। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवी बन चुकी है। सलार मूवी होमेबल फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रोड्यूस हो रही है जिसके प्रोड्यूसर है विजय। केजीएफ की फ्रेंचाइजी भी होमेबल फिल्म्स के अंडर ही प्रोड्यूस हुई है। सलार मूवी के मेन स्टार हैं प्रभास और इनको अब पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली में काम किया है और बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडियन सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी एक्टिंग उस फिल्म में लोगों को बहुत पसंद आई थी। प्रभास ने अभी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो अमेजोन प्राइम वीडियो पर है जिसका नाम है राधे श्याम और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत मूवीज करी है जैसे मिर्ची, साहो और रिबेल। इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे पृथ्वी सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। श्रुति हसन ने बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है जैसे लक, जिसमें संजय दत्त भी थे और रामैया वास्तवैया, और श्रुति हसन के फादर को सभी जानते भी हैं कि वो कितने महान एक्टर हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल बाद एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी लास्ट फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में पुलिस पुलिस थी जो 2010 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी और चीजें जानते हैं इस फिल्म के बारे में। अभी रिसेंटली ही सलार फिल्म का एक टीजर रिलीज हुआ है जो कि फेक है, बट उस टीजर को मिलियन में व्यूज मिल चुके हैं और फैंस को लग रहा है कि वही रियल टीजर है। टीजर में कुछ नहीं दिखाया है, बस कार्स दिखाई हैं और सीन के थोड़े एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया। सलार फिल्म के किसी फैन ने वो वीडियो शेयर की है और उसमें किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का कोई लुक नहीं दिखाया है, बस उस टीजर में कार्स, एक्शन सीन्स और कुछ एक्सप्लोजन दिखाए हैं।
सलार फिल्म के लिए सारे फैंस वेट कर रहे हैं और अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा है फिल्म के बारे में, ना कुछ शेयर किया जा रहा है। प्रशांत नील ने फैंस को प्रॉमिस किया था कि वो मई मंथ में सलार फिल्म के बारे में कोई अपडेट शेयर करेंगे। अब वो ग्लिम्स भी हो सकती है या फिर फिल्म का टीजर भी हो सकता है, बट अभी तक तो प्रशांत नील ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और कोई भी चीज शेयर नहीं की है फिल्म के बारे में। प्रभास मानते हैं सलार फिल्म मासेस पर इम्पैक्ट करेगी, बट अभी तक तो लोगों को इस मूवी का आइडिया नहीं है और फैंस काफी डेस्पिरेट हो रहे हैं इस फिल्म के टीजर या ग्लिम्स को देखने के लिए। दोस्तों, हम सबको तो पता ही है कि 2023 में कितनी मूवीज आने वाली हैं, जिसका लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जैसे पुष्पा 2, सलमान खान की टाइगर 3, शाहरुख खान की पठान, प्रभास की सलार और वरुण धवन की बवाल। रिसेंटली रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि इन पांचों फिल्म्स में चार फिल्म्स नेक्स्ट ईयर मई मंथ में ही रिलीज हो जाएंगी, वो है पुष्पा 2, टाइगर 3, बवाल और सलार। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में बहुत बड़ा क्लैश हो जाएगा, जिसकी वजह से इन चारों मूवीज पर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। लोग इन फिल्म्स का बहुत सालों से वेट कर रहे हैं और अगर ये सारी फिल्म्स एक ही साथ एक ही टाइम पर रिलीज होंगी तो इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ा दिन होगा वो, और इंडियन सिनेमा बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी इन चारों फिल्म्स के लिए और फैंस कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कौन सी फिल्म देखे, और ये कंपटीशन देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। क्या सलार कर पाएगी अपने व्यूअर्स को एंटरटेन? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। अब आप सब सोच रहे होंगे आखिर कौन है वो शख्स जो अपने रोल के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रही है। जी हाँ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हम सबके चहेते बाहुबली यानी प्रभास हैं। प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म सलार को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। असली सस्पेंस की शुरुआत तो तब हुई जब ऑडियंस को पता लगा कि केजीएफ 3 का रास्ता भी सलार से ही होके गुजरता है। ये प्रभास की मच अवेटेड पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसकी मेकिंग को लेकर चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, फिल्म और प्रभास से जुड़े हैशटैग्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात का साफ हिंट दे दिया है कि वो सलार फिल्म के जरिए मॉन्स्टर यूनिवर्स को चर्चा में लेकर आना चाहते हैं और सलार को हिंदुस्तान की मार्वल फिल्म का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। उनका सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड करना इस बात का साफ सबूत है कि उनकी अपकमिंग परफॉर्मेंस को लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेटेस्ट फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत अभी प्री प्रोडक्शन वर्क के साथ बिजी चल रहे हैं और सलार की शूटिंग जल्दी हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी और बेंगलुरु में शुरू की जा सकती है। बता दें, एक्शन थ्रिलर जॉनर होने के कारण फिल्म के पावरफुल एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए काफी किलोमीटर तक सेट अरेंज किया गया है और एक्सपेंसिव प्रॉप्स, लेविश इक्विपमेंट्स और महंगे से महंगे हाई क्वालिटी कैमरास का इस्तेमाल भी किया जाएगा। फिल्म के पोस्टर का पहला लुक ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है, जिसमें प्रभास बड़ी बंदूक के साथ अपना डैशिंग और बैड बॉय अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते फिल्म इंडस्ट्री में एक सस्पेंस भी बना हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री जल्द से जल्द ये जानना चाहती है कि आखिरकार सलार शब्द का मतलब है क्या और इस सस्पेंस को करना चाहती है दी एंड। अब बात कीजिए सलार के एंटरटेनमेंट फैक्टर की, तो इसमें कोई शक नहीं फिल्म में बाहुबली प्रभास की एंट्री हो और फिल्म एंटरटेनिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म की कास्टिंग और उसमें प्रेजेंट किए जाने वाले धमाकेदार थ्रिलर सीन्स की बात की जाए तो उम्मीद है कि ऑडियंस की नजर स्क्रीन से बिल्कुल भी नहीं हटने वाली है। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का वीडियो यही होता है एंड। आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी आ गए हैं। प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवीज बन चुकी हैं। सलार मूवी हुमीबल फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रोड्यूस हो रही है, जिसके प्रोड्यूसर हैं विजय। केजीएफ की फ्रेंचाइजी भी हुमीबल फिल्म्स के अंडर ही प्रोड्यूस हुई है। सलार मूवी के मेन स्टार हैं प्रभास और इनको अब पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इन्होंने एस एस राजामौली की फिल्म बाहुबली में काम किया है और बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडियन सिनेमा की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी एक्टिंग उस फिल्म में लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी। प्रभास ने भी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो अमेजोन प्राइम वीडियो पर है, जिसका नाम है राधे श्याम, और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी मूवीज करी है जैसे मिर्ची, साहो और रिबेल। इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू।
श्रुति हसन ने बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है, जैसे लक, जिसमें संजय दत्त भी थे, और रामैया वास्तवैया। और श्रुति हसन के फादर को सभी जानते हैं कि वो कितने महान एक्टर हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल बाद एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए उनके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी लास्ट फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में पुलिस पुलिस थी, जो 2010 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी और चीजें जानते हैं इस फिल्म के बारे में। जब लोगों को पता चला था कि प्रशांत नील बाहुबली के स्टार प्रभास के साथ काम करने वाले थे और ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी, तब सब लोगों को लग रहा था कि हो सकता है प्रभास और प्रशांत की इस लेटेस्ट फिल्म में केजीएफ के स्टार यश भी दिखाई दे, क्योंकि दोनों मूवी के डायरेक्टर सेम ही हैं और साथ में इन दोनों फिल्म का जॉनर भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। इसी की वजह से फैंस ने ऐसे र्यूमर स्टार्ट कर दिए थे कि सलार फिल्म में प्रभास और यश साथ में देखने को मिलेंगे, बट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है इस चीज को लेकर, बट रिसेंटली एक इंटरव्यू में इन दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर विजय ने कहा कि प्रशांत नील एक मार्वल जैसी फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं और मार्वल में सभी ने सुपरस्टार्स को फिल्म के साथ कोलैबोरेट करते हुए देखा है, इसलिए ये एक आइडिया भी हो सकता है प्रभास और यश को साथ में लाने का। या तो सलार फिल्म में दिख सकते हैं या फिर हो सकता है कि कोई आगे फिल्म बने जिसमें ये दोनों एक्टर्स साथ काम करते दिखे। फैंस इस न्यूज के बाद और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और वेट नहीं कर पा रहे हैं फिल्म सलार का। ऐसा बताया गया है कि इस मंथ सलार फिल्म की टीम के द्वारा कुछ अपडेट्स दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई अपडेट्स नहीं दिए हैं फिल्म मेकर्स ने। होमेबल फिल्म प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर विजय ने एक जगह ये भी कहा है कि डायरेक्टर प्रशांत नील और फिल्म मेकर्स प्लान कर रहे हैं सलार मूवी की शूटिंग अक्टूबर या नवंबर तक खत्म करने का, ताकि उसके बाद फिर ये फिल्म अपना पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर सके और जल्द से जल्द ये फिल्म खत्म होकर लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही फिल्म मेकर्स एम कर रहे हैं कि सलार फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जल्दी से केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट करे। डायरेक्टर प्रशांत नील ने कहा है कि इस मंथ सलार मूवी के बारे में अपडेट दी जाएंगी और अभी भी फैंस वेट ही कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में किसी भी अपडेट पाने का। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप प्रशांत नील की इन फिल्म्स को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही बन रही हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। होगी विंटेज बाइक, सालार के एक्शन सीक्वेंसेस में हुआ कितना मनी इन्वेस्ट, किस प्लेटफॉर्म पर होगी सालार रिलीज, कैसा होगा सालार का सेट, अपकमिंग प्रोजेक्ट सालार के रिलीज को लेकर इंडस्ट्री और ऑडियंस के बीच आजकल अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि एक्शन थ्रिलर फिल्म सालार अपने सुपरहिट एक्शन सीन्स के चलते बन सकती है साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म। सालार के एक्शन सीन्स को लेकर मेकर्स काफी क्रिएटिव तरीके से काम कर रहे हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि ऑडियंस को इस बार स्क्रीन पर कुछ फ्रेश और न्यू देखने को मिले। पावरफुल एक्शन सीन्स को दिखाने के लिए इस मूवी का बजट काफी हाई रखा गया है और बजट के साथ किसी भी वे में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। फिल्म के मेकर्स का ऐसा मानना है कि अगर स्क्रीन पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्रेजेंट करना है तो उसके लिए खर्चा भी खुले हाथ से करना होगा। अगर बात की जाए क्रिएटिविटी की तो उसमें इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील सबको पीछे छोड़ सकते हैं। इसी क्रिएटिविटी के चलते प्रशांत और उनकी टीम ने सालार के एक एक्शन सीन में विंटेज मोटरसाइकिल यूज करने का डिसीजन लिया है। इस मोटरसाइकिल को परचेज करने के लिए काफी खर्चा भी किया गया है। मेकर्स का ऐसा कहना है कि फिल्म सालार 1970 के मैसूर बैकग्राउंड में शूट की जाएगी, इसीलिए सीन्स में विंटेज बाइक का होना विंटेज एरा को परफेक्शन के साथ रिक्रिएट कर पाएगा। फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी इस बात को लेकर मीडिया में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर अगर सोर्सेस की माने तो हाई चांसेस है कि फिल्म सालार को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का रीजन रह सकता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स की इंक्रीज्ड पॉपुलैरिटी। मेजॉरिटी ऑडियंस आजकल फिल्म को थिएटर की जगह OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखना ही पसंद करती है। एक्शन सीन्स के टारगेट ऑडियंस यूजुअली एडल्ट होते हैं और अपने बिजी स्केड्यूल के चलते एडल्ट ऑडियंस घर बैठे OTT प्लेटफॉर्म्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं फिल्म सालार के एक्सपेक्टेड सेट की, तो इस फिल्म का सेट हैदराबाद और मैसूर में क्रिएट किया जाएगा। इस फिल्म के सेट को डे वन से ही हाई बजट रखने का प्लान किया गया है, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस शूट करने के लिए काफी एक्सपेंसिव प्रॉप्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फिल्म का सेट कई किलोमीटर्स तक क्रिएट किया गया है, क्योंकि स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए काफी स्पेस और एक्सपर्ट सुपरविजन की जरूरत होती है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के लीड एक्टर प्रभास ने स्टंट्स को लेकर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। तो क्यों है प्रशांत नील से इतनी उम्मीदें, किस फिल्म के लिए प्रभास ने पसीना बहाया?
हेलो एंड वेलकम टू बॉली ग्रैड स्टूडियोज। आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सलार एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने। इस फिल्म में सुपरस्टार डायरेक्टर के साथ साथ सुपरस्टार एक्टर प्रभास भी लीड रोल में है। प्रभास के साथ साथ इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, जगपति बाबू भी है। इस फिल्म का अनाउंसमेंट 2020 में हुआ था और ये फिल्म थिएटर्स में 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली थी, पर COVID-19 के चलते इसके प्रोडक्शन में डिले हो गया और अब यही फिल्म 2023 के सेकेंड हाफ में रिलीज होने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म काफी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, जैसे कि तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज होगी। वैसे देखा जा रहा है कि फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि प्रशांत नील की प्रभास के साथ ये पहली एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। प्रशांत नील ने इस चीज का भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि सलार किसी भी फिल्म का रीमेक बिल्कुल नहीं है, ये एक ओरिजिनल स्टोरी पर बेस्ड है जो सिर्फ प्रभास के लिए लिखी गई है। प्रभास के साथ इस फिल्म में फीमेल लीड कास्ट है श्रुति हसन, जो फेमस साउथ इंडियन और बॉलीवुड एक्टर है। ऐसे में ऑडियंस को प्रभास और श्रुति की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन जरूर देखना चाहिए। देखिए, फिल्मों में केमिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट लुक भी उतना ही इम्पोर्टेंट। हाल ही में सलार का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था जिसमें प्रभास के लुक को देखा जा सकता है, और अगर आपने देखा होगा तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये कितना इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होने वाली है। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट तो पहले ही हो गया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 में रिलीज होगी, पर KGF चैप्टर 2 की डेट को लेकर इस फिल्म को आगे पोस्टपोन कर दिया गया। और एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इसी फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि हम इस फिल्म को 2023 के सेकंड हाफ में रिलीज करने वाले हैं। वैसे ये तो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। प्रशांत जैसे डायरेक्टर जिन्होंने KGF जैसे दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, ऐसे में सभी फैंस को फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है प्रभास और प्रशांत की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म सलार के लिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी गॉसिप काफी होगी। वैसे इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। क्या है डार्क सेंट्रिक थीम टेक्नोलॉजी? सलार में क्यों यूज की जाएगी डार्क सिनेमेटोग्राफी? कौन है सलार के सिनेमेटोग्राफर? तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, अपकमिंग फिल्म सलार और इसके लीड एक्टर प्रभास को आजकल इंडस्ट्री और फैंस की तरफ से काफी अटेंशन मिल रही है। इस अपकमिंग प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी का रीजन इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे KGF फेम डायरेक्टर प्रशांत नील। डायरेक्टर प्रशांत अपनी क्रिएटिविटी यूज करें और फिल्म सुपरहिट ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को काफी हाई बजट मेंटेन करके बनाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सलार ऐसी पहली इंडियन फिल्म बनने जा रही है जिसमें हॉलीवुड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म सलार के मेकर्स इस बात पर काफी ध्यान दे रहे हैं कि फिल्म के शॉट्स हर एंगल में नेक्स्ट लेवल नजर आए, इसलिए फिल्म को डार्क सेंट्रिक थीम टेक्नोलॉजी का यूज करके शूट किया जाएगा। DCT टेक्नोलॉजी को यूज करने का मतलब है कि फिल्म के ज्यादा से ज्यादा सीन्स को डार्क टोन में शूट किया जाएगा। डार्क सिनेमेटोग्राफी को यूजुअली क्राइम या फिर हॉरर मूवीज में यूज किया जाता है। इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी में बैकग्राउंड को डार्क और फिल्म में एक्ट करते हुए कैरेक्टर्स को लाइट शेड में दिखाया जाता है। फिल्म सलार के विजुअल्स डार्क थीम पर शूट किए जाएंगे, जिससे कि फिल्म में होने वाले एक्शन सीन्स पावरफुल, रियलिस्टिक और ज्यादा से ज्यादा इंटेंस नजर आए। इस फिल्म में ब्लैकिश शेड ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे स्टोरी लाइन की बोल्डनेस कम ना हो और ऑडियंस के दिमाग में भी एक एक्शन और सस्पेंस की फीलिंग बनी रहे। सलार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में ऐसी पहली इंडियन फिल्म बनने जा रही है जो DCT टेक्नोलॉजी को इंडियन सिनेमा व्यूअर्स के सामने इंट्रोड्यूस करेगी। अब जरा बात करते हैं फिल्म सलार के सिनेमेटोग्राफर की। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का काम संभालेंगे पॉपुलर सिनेमेटोग्राफर भुवन गोड़ा।
फिल्म उग्राम और केजीएफ सीरीज की सिनेमेटोग्राफी संभालने के बाद से ही भुवन का सिनेमेटोग्राफी की फील्ड में काफी पॉपुलर नाम बन चुका है। भुवन डीसीटी टेक्नोलॉजी को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस करने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। भुवन का ऐसा भी कहना है कि वो हॉलीवुड फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन से काफी ज्यादा इंस्पायर हैं और वो डीसीटी टेक्नोलॉजी का यूज उसी परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं जिस परफेक्शन के साथ इस टेक्नोलॉजी का यूज क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्म्स टेनेट और बैटमैन में किया था। भुवन का ऐसा भी मानना है कि ये फिल्म उनको एक यूनिक एक्सपीरियंस देने वाली है क्योंकि वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर पाएंगे। अब ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि भुवन इस टेक्नोलॉजी को सही से यूज कर पाएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी है श्रुति की ग्लैम से भरी लाइफ? क्या प्रभास हावी हो रहे हैं हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस पर? क्या है बजट एंड फेस इस फिल्म का? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ग्रैड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इसी वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक पूरा देखिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म सलार के बारे में। ये फिल्म आने वाली है 2023 में। इसे डायरेक्ट किया और लिखा है प्रशांत नील ने। इसे प्रोड्यूस किया है विजय किरण नंदूर ने। इसमें लीड एक्ट्रेस है प्रभास और श्रुति हसार और सपोर्टिंग एक्ट्रेस में जगपति बाबू और थानुस्करण स्वामी है। जानकारी के लिए बता दें कि रवि बसरूर ने मूवी को म्यूजिक दिया है और भुवन बोड़ा ने अपनी सिनेमेटोग्राफी से इसमें 4 चांद लगा दिए है। मूवी हमें 14 अप्रैल 2023 में थिएटर्स में देखने को मिलेगी। वैसे तो ये ओरिजिनली कन्नड़ और तेलुगु में बनी है लेकिन उसके साथ साथ ये डब होगी हिंदी, तमिल और मलयालम में, मतलब इन लैंग्वेजेस में भी रिलीज होगी। प्रोडक्शन हाउस होमेबल फिल्म्स के अंदर ये मूवी प्रोड्यूस हुई है। दोस्तों सलार फिल्म के साथ प्रभास ने अपना तेलुगु मूवी का डेब्यू मार किया है जहाँ ये एक माफिया के रूप में दिखाई देंगे और ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। अब बात करते हैं मूवी के बजट की, तो 50 करोड़ के बजट के साथ ये फिल्म हाईएस्ट बजट के ग्राफ में एंटर कर चुकी है जहां लीड एक्टर प्रभास 100 करोड़ फीस चार्ज कर रहे हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ 10% ऑफ द प्रॉफिट भी, मतलब टोटल मिला के इनको मिलेगा 150 करोड़ बिग अमाउंट। और इसी के साथ इन्होंने बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार को भी पीछे छोड़ दिया। अभी हाल ही में इनकी रिलीज हुई फिल्म राधे श्याम जो एक रोमांटिक फिल्म थी, उसके बाद फॉर ए चेंज ये एक्शन थ्रिलर में एंटर कर गए। सिर्फ सलार ही नहीं बल्कि आदि पुरुष और स्पिरिट में भी इन्होंने 100 से 150 तक चार्ज किया है। स्पिरिट इस टैलेंटेड एक्टर की 25th फिल्म बनेगी। और इनका नाम कैसे हुआ था, काम कैसे बना था, ये तो आप सभी को पता ही है, ऑफ कोर्स बाहुबली फिल्म के साथ। दोस्तों सिर्फ प्रभास ही नहीं बल्कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी 80 करोड़ चार्ज किया है इस फिल्म के लिए और श्रुति हसन ने सिर्फ 1 करोड़। जी हाँ, प्रभास 150 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के वजह से। और ये बनता थी है आखिर उन्हें हम जैसे ऑडियंस का प्यार मिला है। आपको बता दें कि जनरली श्रुति हसन 6 करोड़ के आसपास अपनी फीस रखती है पर शायद इस बार वो भी अपॉर्चुनिटी कबाना नहीं चाहती। एक्ट्रेस की मंथली इनकम है 50 लाख प्लस और उनका नेटवर्थ है 44 करोड़ जो कि छोटी बात नहीं है। 5'7" की ये एक्ट्रेस हमें लास्ट दिखाई दिए थे विद्युत जावाल के साथ 2021 में। ये एक्ट्रेस टॉलीवुड में देवी तो है ही पर बॉलीवुड के लिए अब उन्हें एक ब्लॉकबस्टर देना तो पड़ेगा। देखने की बात यह है कि सलार से इन्हें कितनी पॉपुलैरिटी गेन होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतने प्लस माइनस लाखों करोड़ों की गॉसिप आपके लिए काफी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे लेटेस्ट फिल्मी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। क्यों किया गया सलार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉन्च? क्या सलार के पर्सनल ट्विटर हैंडल को मिलेगा फैंस का प्यार? क्या था प्रभास के फर्स्ट लुक पोस्टर पर ऑडियंस का रिएक्शन? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अपकमिंग फिल्म सलार आजकल सोशल मीडिया और ऑडियंस के बीच काफी ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई है।
इस फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस में इस लेवल का क्रेज है कि वो जल्द से जल्द इस फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए रोज बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्रेज और एक्साइटमेंट का लेवल इस हद तक पहुंच चुका है कि प्रभास के एक डाई हार्ट फैन ने तो फिल्म से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स न मिल पाने पर उनको सुसाइड करने की धमकी वाला लेटर तक भेज डाला। इसी पॉपुलर डिमांड के चलते फिल्म के मेकर्स ने सलार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। इस ट्विटर हैंडल पर सलार के फैंस इजीली सारी लेटेस्ट अपडेट्स जान सकते हैं और इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिल्म सलार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल 17 मई 2022 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया और शॉकिंग बात तो ये है कि सिर्फ एक ही दिन के अंदर इस ट्विटर हैंडल को 50,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। सिर्फ एक ही दिन के लॉन्च के बाद इस ट्विटर हैंडल के 50.7K फॉलोअर्स हैं। इस ट्विटर हैंडल को फैंस का काफी प्यार देखने को मिल रहा है और इस ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं। सलार के ट्विटर हैंडल पर अब तक फिल्म के लॉन्च इवेंट से कनेक्टेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स और पिक्चर्स को पोस्ट किया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभास का फर्स्ट लुक पोस्टर भी इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा चुका है जिससे ऑडियंस काफी अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें प्रभास के फर्स्ट लुक पोस्टर की तो पोस्टर को देखकर एक्शन और थ्रिल की जबरदस्त फीलिंग आ रही है। फिल्म के डायरेक्टर्स ने एक्शन सीक्वेंसेस में DCT टेक्नोलॉजी यूज करने का डिसीजन लिया था, लेकिन सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस ही नहीं बल्कि फिल्म के फर्स्ट पोस्टर में भी DCT टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। डार्क सेंट्रिक थीम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सीन्स को ज्यादा पावरफुल और फुल ऑफ सस्पेंस दिखाने के लिए शॉट्स को डार्क शेड में शूट किया जाता है। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में प्रभास काफी डैशिंग और पावरफुल अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी लुक काफी बोल्ड है और उनकी फिट बॉडी उनके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। प्रभास के फर्स्ट लुक पोस्टर को फैंस का इतना प्यार मिलते हुए नजर आ रहा है कि एक ही दिन में पोस्टर पर 69.2K लाइक्स और 1903 कमेंट्स हैं। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। कौन सी फोटो लीक हुई प्रभास की? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो अपने पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवीज बन चुकी है। सलार मूवी होमेबल फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रोड्यूस हो रही है जिसके प्रोड्यूसर हैं विजय। KGF की फ्रेंचाइजी भी होमेबल फिल्म्स के अंडर ही प्रोड्यूस हुई है। सलार मूवी के मेन स्टार हैं प्रभास और इनको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने सुसाजा मौली की फिल्म बाहुबली में काम किया है और बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडियन सिनेमा की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी एक्टिंग उस फिल्म में लोगों को काफी पसंद भी आई थी। प्रभास ने भी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर है जिसका नाम है राधे श्याम और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी मूवीज करी हैं जैसे मिर्ची, साहो और रिबेल। इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। श्रुति हसन ने बॉलीवुड फिल्म्स में काफी काम किया है जैसे लक, जिसमें संजय दत्त भी थे और रमैया वस्तवैया भी, और साथ ही श्रुति हसन के फादर को सभी जानते हैं कि वो कितने महान एक्टर हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल बाद एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए उनके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी लास्ट फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में पुलिस पुलिस थी जो 2010 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं इस फिल्म के बारे में। सलार फिल्म की शूटिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के तक खत्म हो जाएगी क्योंकि उसके बाद फिल्म मेकर्स फिर से बिजी होंगे KGF चैप्टर 3 की शूटिंग के लिए। बट अभी इस मंथ सलार फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले फिल्म के मेन एक्टर प्रभास की नी सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से उनकी फिजिकल फिटनेस पर अफेक्ट हुआ है और उनका वेट बढ़ गया है। प्रभास सलार फिल्म की शूटिंग जून में स्टार्ट करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर सलार फिल्म की एक फोटो लीक हो गई थी जिसमें प्रभास सूट में खड़े हुए हैं और फिल्म मेकर्स बहुत कंसर्न थे इस चीज को लेकर क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट वो जो चाहते हैं कि ऑडियंस को मिले वो नहीं मिलेगा अगर ऐसी फोटोज लीक हो जाएंगी। तो फैंस को प्रभास की लीक फोटो बहुत ज्यादा पसंद आई है और वो इस फोटो को देख के फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। अभी तक सलार फिल्म से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है जिसकी वजह से फैंस काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने प्रॉमिस किया था फैंस को कि मई मंथ में फिल्म के बारे में कोई ना कोई डिटेल वो शेयर जरूर करेंगे। सलार शूटिंग के पहले प्रभास प्रोजेक्ट के फिल्म की भी शूटिंग करेंगे जिसमें वो अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटनी के साथ दिखाई। प्रभास की ऑलरेडी एक फिल्म 1,000 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुकी है और साथ ही प्रशांत की भी एक फिल्म 1,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। प्रभास और प्रशांत नील की इस फिल्म से लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं
क्योंकि इन दोनों ने अपनी रेपुटेशन कुछ ऐसी ही बना ली है। ऐसे में फिल्म मेकर्स के लिए टफ हो जाता है फैंस की एक्सपेक्टेशन से मैच करना, बट प्रशांत नील और प्रभास पूरा ही ट्राई कर रहे हैं कि फैंस को उन्हीं के लिए फिल्म पसंद आए। हो सकता है कि इस फिल्म में हमें केजीएफ के स्टार यश भी दिखाई दें, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर विजय ने ये कहा था कि वो ट्राई कर रहे हैं इन फिल्म्स को मार्वल यूनिवर्स की तरह बनाने का, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। हाई बजट आइडिया लेकर आए हैं प्रशांत नील, कैसा होगा प्रभास का लुक इस फिल्म में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। पैन इंडिया स्टार प्रभास बहुत जल्द अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर सलार की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। प्रशांत नील जो केजीएफ के डायरेक्टर हैं और उनकी टीम ने इस फिल्म के मैसिव एक्शन सीक्वेंस को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने ट्विटर का सहारा लिया फिल्म के बिहाइंड द सीन को शेयर करने के लिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रशांत नील आर्ट डायरेक्टर शिवा कुमार को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कैप्टन @ प्रशांत नील एंड आर्ट डायरेक्टर @ शिवा कुमार आर्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एक्शन सीक्वेंस। प्रभास के अलावा सलार फिल्म में श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू, मधु गुरु स्वामी और ईश्वरी राव हैं। इस फिल्म में प्रभास एक डायनामिक रोल में दिखने वाले हैं और श्रुति हसन इस फिल्म की फीमेल लीड कास्ट हैं। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी और मेकर्स इस फिल्म को 2023 तक रिलीज करेंगे। इस फिल्म के टेक्निकल क्रू में सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा और फिल्म डायरेक्टर रवि बसरूर हैं। इस फिल्म का प्रोडक्शन भी वही प्रोडक्शन हाउस कर रहा है जिसने केजीएफ को प्रोड्यूस किया था, यानी कि होमेबल फिल्म्स। जिस तरह से इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म भी केजीएफ की तरह ऑल इंडिया सिनेमा हिट होने वाली है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें प्रभास को काफी एस्थेटिक लुक में देखा जा सकता है। प्रशांत इस समय एक तेलुगु फिल्म बगीरा पर काम कर रहे हैं जो इसी साल रिलीज होने वाली है। प्रशांत इस फिल्म में राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले का रोल प्ले कर रहे हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। प्रभास के लिए ये प्रोजेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनकी लास्ट फिल्म राधेश्याम इतना टाइम पैक नहीं कर पाई थी जिस प्रकार की उनकी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि सलार कैसे इम्पैक्ट करने वाली है इंडियन सिनेमा पर। सुपरस्टार यश के बाद प्रशांत ने प्रभास पर दाव लगाया है तो कुछ सोचकर तो लगाया होगा, क्योंकि वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली सीरीज के सुपरस्टार्स हैं। ऐसे में फिल्म को भी ब्लॉकबस्टर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी आ गए हैं। दोस्तों प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवी बन चुकी है। सलार मूवी होमेबल फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रोड्यूस हो रही है जिसके प्रोड्यूसर हैं विजय। केजीएफ की फ्रेंचाइजी भी होमेबल फिल्म्स के अंडर ही प्रोड्यूस हुई है। सलार मूवी में मेन स्टार हैं प्रभास और इनको अब पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने SS राजामौली की फिल्म बाहुबली में काम किया था और बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडियन सिनेमा की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी एक्टिंग लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। प्रभास ने भी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो अमेजोन प्राइम वीडियो पर है जिसका नाम है राधेश्याम और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स करी हैं जैसे मिर्ची, साहू और रिबेल। इस फिल्म में प्रभास के साथ साथ और भी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर रही हैं जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। श्रुति हसन ने बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है जैसे लक, जिसमें संजय दत्त भी थे और रमैया वास्तवैया भी, और साथ ही श्रुति हसन के फादर को सभी जानते हैं कि वो कितने महान एक्टर हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल बाद दोबारा से एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी लास्ट फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में पुलिस पुलिस थी जो 2010 में रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों थोड़ी सी और चीजें बताते हैं आपको इस फिल्म के बारे में। बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2 और RRR के बाद फैंस साउथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं और जब से लोगों को पता लगा है कि बाहुबली के स्टार और केजीएफ फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर साथ ही काम कर रहे हैं, तब से लोग सलार फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बट रिसेंटली ही किसी एक फैन ने थ्रेटनिंग नोट लिखा और उसमें मेंशन किया कि सलार फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है बहुत टाइम से और ना कोई ग्लिम्स आ रही है, और अगर कुछ टाइम में अपडेट नहीं आती है इस फिल्म को लेकर तो वो फैन अपनी जान दे देंगे। सोशल मीडिया पर ये नोट वायरल हो गया है। सलार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कुछ टाइम पहले फैंस को प्रॉमिस किया था कि वो इस फिल्म को लेकर जल्दी अपडेट देंगे, बट किसी रीजन की वजह से वो इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए और एक महीने से ज्यादा हो गया, जिसको लेकर फैंस ना खुश हैं।
फैंस ने अपने इस लेटर में ये भी लिखा है कि पहले भी ये हो रहा था कि राधे श्याम मूवी के टाइम पर, और अब ये फिर से हो रहा है। प्रभास की इंजरी की वजह से ऑलरेडी शूट डिले हो गई है पहले से, जिसकी वजह से मेकर्स खुद टेंशन में है। दोस्तों, उस फैन ने ये भी मेंशन किया है कि अगर सलार फिल्म का टीजर नहीं रिलीज होता इस मंथ तो वो अपनी जान दे देगा। सलार फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और फैंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। इस एक्शन पैक फिल्म को लेकर फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। इस फिल्म की चीजें बहुत ज्यादा डिले इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि प्रभास खुद काफी मूवीज को लेकर बिजी हैं, जैसे प्रोजेक्ट के और आदि पुरुष, और साथ ही प्रशांत नील भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी हैं, जो शायद एनटीआर के साथ दिखेंगे। इतनी सारी चीजों की वजह से सलार फिल्म में कुछ कुछ चीजें डिले हो गई हैं। सभी एक्साइटेड रहते हैं फिल्म्स के लिए और फैंस ऑलरेडी एक दो साल से वेट कर रही हैं अपनी फेवरेट स्टार को देखने के लिए थिएटर्स पर। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे थ्रेटन करेंगे फिल्म मेकर्स को। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सालार एक अपकमिंग इंडियन फिल्म एक्शन है जो 2023 में रिलीज होगी, और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती, और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स के लिस्ट में आ गए हैं। प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस बन चुकी है। इस फिल्म में मेन स्टार प्रभास है और उनके साथ इस फिल्म में श्रुति हसन भी दिखेंगी। प्रभास ने अभी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर ही है, जिसका नाम है राधे श्याम। और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत मूवीज करी है, जैसे मिर्ची, शाहो और रिबेल। बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2 एंड ट्रिपल आर के बाद फैंस साउथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं, और जब से लोगों को पता चला है कि बाहुबली के स्टार और केजीएफ फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर साथ ही काम कर रहे हैं, तब से लोग सालार फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। सालार नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है, और साथ में इस फिल्म से कम्पीट करने वाली बहुत सारी फिल्म्स होने वाली है। सबसे मेन जो चीज है वो ये है कि सालार मूवी के कंपटीशन में शाहरुख खान की फिल्म पठान होने वाली है। पठान फिल्म में काफी फेमस एक्टर्स होने वाले हैं बॉलीवुड के, जैसे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। शाहरुख खान मेन लीड है इस मूवी के, और इसमें शाहरुख खान का रोल बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। पठान मूवी के बारे में एक और चीज जो पता चली है वो है कि इस मूवी में जॉन अब्राहम का रोल कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, उनकी कोई भी नेशनलिटी नहीं है और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। मूवी में वो रशियन माफियाज के लिए काम करते हैं और इंडिया में कोवर्ट गन रैकेट रन कर रहे हैं। पठान मूवी के बारे में ये पता चला है कि इवेंचुअली जॉन अब्राहम की एसआरके और दीपिका पादुकोण से लड़ाई भी हो गई है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मिशन पर होते हैं इस रैकेट को बर्स्ट करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में सलमान खान बहुत कम सीन्स के लिए दिखेंगे, टाइगर के रोल करते हुए। उनका कैरेक्टर शाहरुख खान को रशियन माफिया से बचाने का है। एसआरके पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। उनकी मूवीज जो होती है ज्यादातर हिट ही होती है। शाहरुख खान खुद में ही बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है। हम सब ने शाहरुख खान की मूवीज देखी हुई है, और मूवीज को देखते ही समझ जाता है कि मूवी का बजट काफी ज्यादा है, क्योंकि आखिर वो फिल्म है तो शाहरुख खान की ही। रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है कि पठान मूवी के लिए शाहरुख खान ने 100 करोड़ लिया है, जो उन्हें इंडिया का हाईएस्ट पेड एक्टर बनाता है। एसआरके इस मूवी में एक न्यू लुक के साथ दिखाई देंगे, और साथ ही उनका लुक भी इस फिल्म के लिए बहुत इंटेंस है। एसआरके के अलावा भी जॉन अब्राहम ने इस मूवी के लिए 20 करोड़ फीस रखी है, और दीपिका पादुकोण ने 15 करोड़ लिया है। पठान मूवी में बताया जा रहा है कि आशुतोष राणा का रोल इस मूवी में एक रॉ जॉइंट सेक्रेटरी का होगा। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने कहा कि इस मूवी में आशुतोष राणा को कास्ट करने का आइडिया उन्हें उनकी मूवी वॉर से मिला। आशुतोष राणा ने डिंपल कबाड़िया और एसआरके के साथ ऑलरेडी शूटिंग स्टार्ट कर दी है मुंबई के यश राज स्टूडियोज में। डिंपल कबाड़िया का रोल इस मूवी में रॉ एजेंट का होगा। कैसा था इनका बचपन और क्यों बना इनका स्टैच्यू? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज मैं आपकी होस्ट कनिका लिंबर सलार मूवी के लीड एक्टर प्रभास की लाइफ के बारे में बताऊंगी। ये 2023 में आने वाली फिल्म है और साथ में श्रुति हसन लीड में है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभास की गाथा। किसी भी एक्टर की तरह प्रभास भी एक नॉर्मल एक्टर थे, जो समय समय पर मूवीज करते थे, कुछ हिट होती तो कुछ फ्लॉप। 2015 में जब ब्लॉकबस्टर बाहुबली द बिगनिंग आई, वो प्रभास के लिए बैरियर ब्रेक कर गई। जब कोई भी एक्टर अपनी जिंदगी के 5 साल किसी मूवी में लगाने का चांस नहीं लेना चाहते, तब प्रभास ने ये चांस लिया, और आप तो इसका रिजल्ट जानते ही हैं।
और वो कहाँ पहुंच गए ये हम सबको पता है। वेंकटेश सत्यनारायण प्रभास राजू उपल पाटी इनका पूरा नाम है। 1979 में प्रोड्यूसर सूर्य नारायण राजू के घर पैदा हुए। ये एक प्रोड्यूसर और एक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो टैलेंट इनके खून में ही दौड़ता है। पर आपको शान की ये हैरानी होगी कि ये कभी भी सुपरस्टार बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि ये बनना चाहते थे एक बिजनेसमैन। पर किस्मत तो देखिए, इनके अंकल उपल पाटी कृष्णन राजू जो एक एक्टर थे उन्होंने इन्हें इंडस्ट्री में ट्राई करने को कहा और इसी के साथ 2002 में प्रभास की पहली मूवी ईश्वर आई, पर ये ज्यादा चल नहीं पाई। अगली मूवी 2003 में आई रघुवेंद्र भी फ्लॉप हो गई, पर 2004 में वर्षन जो ब्लॉकबस्टर रही और इनके करियर को इसने उड़ान दिया। इन्होंने रोमांटिक और एक्शन थ्रिलर दोनों ही जॉनर में काम किया। अब आया इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जहां से एसएस राजमौली की 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग। ये मूवी कई लैंग्वेजेस जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में भी रिलीज हुई। ये मूवी थर्ड हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट देने वाली मूवी बन गई और इससे प्रभास को काफी ज्यादा अप्रिशिएशन भी मिला। इस हिस्टोरिक मूवी में एक्टर्स तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुपति, राम्या कृष्णन और नस्सर ने भी प्रभास के साथ काम किया। ये मूवी क्लाइमेक्स पे सस्पेंस पे छोड़ गई और ऑडियंस ने बहुत ज्यादा वेट किया इसके पार्ट टू के लिए जो 2017 में बड़े पर्दे पर आया। बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने पहले ही दिन 10 दिन के अंदर ही 100 करोड़ से ज्यादा कमाया। इसके बाद प्रभास पहले ऐसे एक्टर बने जिनका वैक्स स्टैच्यू मैडम तुसॉज वैक्स म्यूजियम लंदन में बना और ये यूनिवर्सल स्टार बन गए। अब ये सलार मूवी में श्रुति हसन के साथ नजर आएंगी और इसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इसी के साथ मैं हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और का मतलब प्रशांत नील का जमाना, तेलुगु फिल्म में प्रशांत की एंट्री, फिल्म का लोकेशन हुआ तय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सालार डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म। इस फिल्म में हमें प्रभास और श्रुति हसन लीड रोल में नजर आएंगे। प्रशांत अपनी डायरेक्शन की कला से कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स बढ़ा चुके हैं। प्रशांत का तेलुगु इंडस्ट्री में ये पहला प्रोजेक्ट है। सालार का बजट 200 करोड़ होगा और सिर्फ प्रभास की फीस ही 100 करोड़ होगी। जी हाँ दोस्तों, बजट का 50% हमें प्रभास की जेब में जाता दिखेगा। प्रभास ने फिल्म बाहुबली में अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित किया और पूरे दुनिया में अपनी एक्टिंग से नाम बनाया। प्रभास काफी इंट्रोवर्टेड और सिंपल इंसान है। वहीं पर प्रशांत नील इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में अपनी जगह बना रहे हैं। प्रशांत के 3 पार्ट में बनी और बनने वाली फिल्म KGF काफी ज्यादा हिट रही और लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्शन सीन्स ने लोगों का दिल जीत लिया। सिनेमा घरों में खूब सीटी भी बजी। KGF चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का कलेक्शन किया और KGF 2 ने 1200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ये सारे फिल्म्स की वजह से प्रशांत नील और उनके साथ काम कर रहे एक्टर्स का भी सितारे चमक रहे हैं। लोग ये फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये थी प्रशांत से जुड़ी खबरें। अब हम बात करेंगे फिल्म के लोकेशन की। फिल्म के शूटिंग की शुरुआत विशाखापट्टनम से किसी गोल्ड माइन से शुरू हुई। हमें इस फिल्म में भी कुछ माइनिंग से कनेक्शन दिख सकता है। फिल्म की 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म हमें 2023 के समर में रिलीज होती हुई दिखाई दे सकती है। सालार 2023 की हाईली एंटिसिपेटेड मूवी रहेगी। ये प्रशांत का तेलुगु फिल्म में पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए प्रशांत काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, साथ ही साथ बाहुबली के एक्टर प्रभास भी। फिल्म सालार में हमें श्रुति हसन आद्या का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी और ये एक रोमांटिक एक्शन मूवी होगी। श्रुति हसन को इस फिल्म में 1 करोड़ का पेचेक भी मिलेगा। श्रुति हसन काफी कम फिल्म में आई है। श्रुति आखिरी बार अमेजन प्राइम की वेब सीरीज बेस्ट सेलर में नजर आई थी। तो दोस्तों, ये थी सालार से लेके कुछ खबरें। इस फिल्म के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। क्यों हुए थे प्रशांत नर्वस? किसने रची फिल्म की कहानी? क्या हमें दिखेगा ब्रोमेंस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म सालार डायरेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में प्रभास और श्रुति हसन दिखाई देंगे। फिल्म के लिए प्रभास हाल ही में वेट लॉस कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत प्रभास की बॉडी पे पोस्ट प्रोडक्शन काम नहीं करना चाहते। इस वजह से प्रशांत काफी नर्वस हैं और चाहते हैं कि प्रभास एक अच्छे फिजिक में आए जिससे उनके शूट
प्रशांत अच्छे से शूट कर सकें। प्रभास वेट लूज करने में लगभग लग गए हैं और काफी जल्द हमें अच्छे फिजिक में नजर आएंगे, लेकिन प्रभास एक अभी माइनर इंजरी को लेके फेस कर रहे हैं जिसे वो जल्दी रिकवर कर लेंगे। रिकवरी के लिए वो स्पेन गए, लेकिन अभी उन्हें कुछ महीनों के लिए रेस्ट करने को कहा गया है। रही बात फिल्म के शूट की, तो शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग तेलंगाना में शूट होनी शुरू हो चुकी है। अब तक 30% शूटिंग हो चुकी है। फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल फरवरी 2021 में रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म अभी हॉट पर आ चुकी है। प्रभास की राधे श्याम और प्रशांत की KGF 2 के रिलीज के कारण खबरों के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग इस साल रैप अप हो जाएगी और 2023 में रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म के शूटिंग को लेके कुछ खबरें। अब हम बात करेंगे किसने लिखी फिल्म की कहानी। तो दोस्तों, ये फिल्म की रचना डायरेक्ट प्रशांत नील ने खुद ही की है। प्रशांत नील काफी क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर हैं। उनकी रची सारी फिल्म्स सुपरहिट रही हैं। प्रशांत की पिछली फिल्म KGF के हिट जाने से इस फिल्म से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और प्रशांत और एक्टर प्रभास के ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया है। प्रशांत की लिखी ये कहानी ओरिजिनल है और ना ही किसी फिल्म का रीमेक। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी। अब हम बात करेंगे फिल्म के कैमियो की। तो दोस्तों, इस फिल्म में हमें मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन कैमियो के रूप में दिखाई देंगे। प्रभास काफी खुश हैं इस मलयालम एक्टर को लेके इस फिल्म में। ये फिल्म का प्रोडक्शन यूवी क्रिएशन ने ग्रैंड स्केल पर किया है 200 करोड़ के बजट के साथ, जिसमें वो 20 करोड़ का बजट सिर्फ एक बीच पे होने वाले एक्शन सीन के शूट करने के लिए लगा दिए। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की पीछे की भुवन गोड़ा को दी गई है। यूवी क्रिएशन ने कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जैसे मिर्ची, राधेश्याम, साहो, रन राजा रन और हैप्पी वेडिंग। अब देखना ये रहेगा कि कैसी होगी इस फिल्म से इनको प्रॉफिट, क्योंकि इनके द्वारा प्रोड्यूस की हुई फिल्म में से कोई भी फिल्म इतनी हिट नहीं रही सिवाय मिर्ची के। इसीलिए ये फिल्म उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फिल्म रहेगी। फिल्म सालार एक्शन और इमोशन पैक्ड होगी। इस फिल्म का एक्शन पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। KGF की सक्सेस को देखकर इस फिल्म में डार्क सेंट्रिक थीम यूज होगी और ये टेक्नोलॉजी फिल्म तैनात, बैटमैन ट्रायलॉजी और मैट्रिक्स, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फिल्म की इमेज और भी बढ़ जाएगी। इस फिल्म में हमें प्रभास और श्रुति के अलावा पृथ्वीराज, सुकुमारन, ऐश्वरी राव और जगपति बाबू दिखाई दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज इस फिल्म में प्रभास के दोस्त के किरदार करेंगे, लेकिन अलग तरह से। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ा में नजर आएगी। ये फिल्म प्रशांत की पहली फिल्म है तेलुगु में। ये फिल्म के OTT राइट्स के लिए 200 करोड़ की ऑफर हुई थी। इसके साथ एक और बड़ा सवाल रहेगा कि KGF के वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ के कलेक्शन से इस फिल्म के कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी सालार को लेके कुछ खबरें। इस फिल्म के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रभास की कितना % शूट हुआ है कंप्लीट और आखिर कैसा रहा है श्रुति हसन का करियर। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। फिल्म सलार डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म है जिसका बजट 200 करोड़ रुपए का है। ये फिल्म एक्शन पैक्ड और धमाकेदार रहेगी। इस फिल्म में हमें लीडिंग रोल में प्रभास और श्रुति हसन नजर आएंगे और इस फिल्म में हमें और भी किरदार नजर आएंगे, जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और ईश्वरी राव। इस फिल्म में श्रुति प्रभास के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करेंगी और फिल्म में इनका नाम होगा आध्या। वहीं पर प्रभास का नाम होगा सलार और बाबू का नाम होगा राजा मनार। वहीं पर ईश्वरी सलार की माँ का रोल प्ले करेंगी। दोस्तों, इस फिल्म में प्रभास 100 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले हैं और 10% प्रॉफिट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से भी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार प्रभास का पे रहने वाला है। प्रभास 2016 में आई फिल्म बाहुबली से हिट हुए और इतने ज्यादा हिट हुए कि वो पूरे भारत और वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गए। इसके बाद बाहुबली 2 आई जिसने कई सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। इस फिल्म के अलावा प्रभास फिल्म आदि पुरुष में भी 60 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रभास से जुड़ी खबरें। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के रिलीज की। तो ये फिल्म 2023 के सेकंड क्वार्टर में रिलीज होती हुई दिखेगी। ये फिल्म तेलुगु के अलावा मलयालम, कन्नड़, हिंदी और तमिल में भी रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग विशाखापट्टनम में शुरू हुई और 30% शूट कम्प्लीट हो चुका है। ये फिल्म के कुछ सीन्स बल्गेरिया में भी शूट किए गए हैं। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं और सूत्रों की माने तो ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन करने की प्लानिंग कर रही है। प्रभास ने इससे पहले डायरेक्टर राजामौली के साथ काम किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेलुगु इंडस्ट्री के गॉडफादर की बेटी के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कमल हसन की बेटी श्रुति हसन के बारे में। श्रुति हसन का जन्म मद्रास में हुआ और वो एक्टिंग के साथ साथ सॉन्ग्स भी गाती हैं।
दोस्तों उन्होंने अपने सॉन्ग का डेब्यू 2000 में किया था फिल्म हे राम से। श्रुति ने फिल्म में एज लीड डेब्यू किया बॉलीवुड फिल्म लक से, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली थी। श्रुति ने और भी कई फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है, जैसे तेलुगु, तमिल और कन्नड़। श्रुति अब हमें डायरेक्टर्स फिल्म में दिखाई देंगी। का टीजर हुआ आउट, क्या कहा प्रशांत नील ने। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। पैन इंडिया आजकल ये शब्द काफी सुनने को मिल रहा है, बॉलीवुड टॉलीवुड ये सब खत्म, सिर्फ इंडियन सिनेमा, एक फिल्म हर लैंग्वेज में फैंस तक पहुंचाना। तो ये तब शुरू हुआ जब प्रभास की फिल्म आई थी बाहुबली। लेकिन जितना बड़ा नाम उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, और सालार जैसी प्रभास स्टारर फिल्म में और भी प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये KGF यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म होने वाली है। यूँ तो आपने देखा था कि किस तरह KGF 3 और सालार का कनेक्शन पिछले वीडियो में दिखाया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने फैंस के साथ सालार की फर्स्ट टीजर की बात शेयर की थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का टीजर 2022 के एंड तक आउट कर दिया जाएगा, और शूटिंग के दौरान प्रभास के सीन के कुछ छोटे मोटे पिक्चर्स भी लीक हुए थे। सालार की शूटिंग 30-40% तक पूरी हो चुकी है, और साथ ही इसे अगले साल 2023 के किसी भी शुरुआती महीने में रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल पिछले समय से प्रभास का करियर कुछ खास नहीं रहा था, उनकी फिल्म राधे श्याम बुरी तरह पिट गई थी। ऐसे में वो सालार को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और एक वजह यह भी है कि इतनी जल्दी टीजर रिलीज क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि KGF की हिट अभी भी लोगों के अंदर ताज़ा है। ऐसे में अगर प्रभास का टीजर आता है तो प्रभास और यश के कंपैरिजन की बातें शुरू हो जाएंगी, इस वजह से टीजर को थोड़ा सा समय लेकर रिलीज किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी फिल्म खलनायक के बिना अधूरी होती है। तो अगर इस फिल्म के विलन की बात करें तो हीरो के साथ साथ विलन भी बराबरी के होंगे। जी हाँ, फिल्म में मलयालम एक्टर पृथ्वीराज को खलनायक के रूप में देखा जाएगा। पृथ्वीराज एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर मलयालम सिनेमा में काफ़ी काम कर चुके हैं, साथ ही हिंदी और तेलुगु भाषाओं में काम करते देखा जा चुका है। इन्होंने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिनमें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। इनके फिल्मी करियर की शुरुआत नंदनम से हुई थी, ये एक बेहतरीन फिल्म थी। और जहाँ तक बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट है 500 करोड़, और ये एक साथ 12,000 स्क्रीनों पर दिखाई जाएगी। साथ ही प्रशांत भी अपनी आने वाली सारी फिल्मों में किसी भी तरह की कमी नहीं देखना चाहते। फैंस को उनकी फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, और ऐसे में वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों, क्या प्रभास की आने वाली फिल्म सालार के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज। लाभ करेगी ये फिल्म, कैसे DCT टेक्नोलॉजी यूज करके होगा रेवोल्यूशन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राद स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी, और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी आ गए हैं। दोस्तों, प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवीज बन चुकी हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि सलार फिल्म नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है, और उसके लिए फैंस अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सलार फिल्म एक्चुअल में मूवी इंडस्ट्री को चेंज कर सकती है अपने काम से। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे सलार फिल्म के रिलीज होने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो सकती है इंडिया की। सबसे पहले तो DCT टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बहुत चांसेस हैं कि रिवॉल्यूशन आ जाए फिल्म इंडस्ट्री में। सलार फिल्म में DCT टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसका फुल फॉर्म है डार्क सेंट्रिक थीम, और इस टेक्नोलॉजी से फिल्म की शूटिंग में डार्क शेड आ जाता है, और सलार फिल्म DCT टेक्नोलॉजी यूज करने वाली फर्स्ट फिल्म होने वाली है। फैंस को फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सलार सुपर हिट हो जाए और आगे जाकर और भी फिल्म्स DCT टेक्नोलॉजी यूज करे। इसी रीजन की वजह से सलार फिल्म हो सकती है चेंज कर दे फिल्म इंडस्ट्री को, और हो सकता है DCT टेक्नोलॉजी से और भी मूवीज इंस्पायर हो और यूज करें अपने अपनी फिल्म्स के लिए। आपको बता दें कि DCT टेक्नोलॉजी के अलावा भी एक और चीज है जिससे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। कुछ टाइम पहले फिल्म मेकर्स ने कहा कि सलार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील सोच रहे हैं सलार को एवेंजर्स की तरह बनाने का। सलार में प्रभास होने वाले हैं, और सलार से पहले प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 भी बनाई है, जिसमें मेन हीरो यश थे। अब हो सकता है कि आगे जाके किसी फिल्म में यश और प्रभास दिखाई दे।
दोस्तों आपको बता दें कि मार्वल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है और मार्वल वर्ल्ड की नंबर वन फ्रेंचाइजी है। मार्वल की मूवीज में हमने देखा है कि सारे सुपर हीरोज एक साथ फाइट करते हैं और एक ही फिल्म का हिस्सा होते हैं। अगर प्रशांत नील का आइडिया यश और प्रभास को साथ में लाने और दिखाने का और दोनों को ही एक फिल्म का हिस्सा बनाने का है और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि आज से पहले बहुत कम फिल्म्स ही हैं जिसमें हमने ऐसे एक्टर्स को साथ काम करते हुए देखा है। इससे पहले हमने देखा है कि रोहित शेट्टी ने ट्राई किया है अपने फिल्म्स में इस कंसेप्ट को यूज करने का। उन्होंने सबसे पहले सिंघम डायरेक्ट करी और फिर सिंघम 2। जब ये दोनों फिल्म्स आ गई और लोगों को बहुत पसंद आई तब उन्होंने रणवीर सिंह के साथ सिम्बा डायरेक्ट करी, जिसमें एंड में उन्होंने अजय देवगन का एक कैमियो रोल किया जिसमें रणवीर सिंह और अजय देवगन साथ देखने को मिले और उस कोलैबोरेशन से फैंस बहुत ज्यादा खुश थे। अब उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम पहले ही सूर्यवंशी डायरेक्ट करी है जिसमें अक्षय कुमार मेन हीरो थे और उनके साथ कैटरीना कैफ भी थी। बट इतना ही नहीं दोस्तों, अक्षय कुमार के साथ फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह भी थे और तीनों का कोलैबोरेशन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इन तीनों को एक साथ कोई फिल्म में नहीं ला पाया था। इन्होंने एक फिल्म करी है बट उसमें एक एक्टर के अलावा बाकी एक्टर्स का कैमियो रोल रहा है और ये रोल रहा था तो थोड़े टाइम के लिए ही। तो अगर प्रशांत नील सोच रहे हैं तो ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जो एवेंजर्स टाइप लाएंगे और फैंस को एक्साइट करेंगे। तो अब जल्दी से दोस्तों आप हमें बता दीजिए कि आप प्रभास और यश को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या प्रशांत तोड़ेंगे अपना ही रिकॉर्ड? क्या सलार तोड़ेगी केजीएफ का रिकॉर्ड? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगवाल और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड शो। बाहुबली को कोई ना जाने ऐसा भी हो सकता है। बॉलीवुड को एक ही झटके में हिला छुड़ाला था प्रभास ने उनके बाहुबली अंदाज। प्रभास ने अलग ही लेवल की ऊंचाई दी साउथ फिल्म इंडस्ट्री। जैसा कि हम जानते ही हैं, बाहुबली की सक्सेस की वजह से बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। बाहुबली यानी कि प्रभास बाहुबली के बाद भी रुके, उन्होंने दो बड़ी फिल्में की जैसे कि साहू और आदिशी। बात करें अगर साहू की, साहू एक एक्शन सस्पेंस फिल्म थी और वहीं दूसरी तरफ राधेश्याम एक रोमांटिक मूवी। प्रभास अब जुट गए अपनी अपकमिंग फिल्म सलार की तैयारी। सलार की बात करें तो सलार को डायरेक्ट करेंगे केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील। प्रशांत नील एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े। प्रशांत ने करियर का डेब्यू 2014 में उग्रम से किया। प्रशांत की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म केजीएफ। केजीएफ आज तक की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म है जिसने टाइटल हासिल कर चुकी। बात करें तो प्रशांत की लाइफ के बारे में तो प्रशांत का पूरा नाम है प्रशांत नील कांतपुर। प्रशांत का जन्म 4 जून 1980 में। जब प्रशांत से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम कैसे रखा, तब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए थे। फिर वक्त के साथ उनका इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ ही बढ़ता चला गया। प्रशांत ने अपनी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और उन्होंने कई बार ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का भी फैसला किया, लेकिन खुदा ने चमत्कार किया और उनकी झोली में आ गई उग्रम जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और बन गई थी कन्नड़ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से। प्रशांत ने फिर डायरेक्ट की केजीएफ कोलार गोल्ड माइंस फील, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी यश ने और फिल्म ने किया कमाल कर ये सब हम जानते हैं। केजीएफ को दो पार्ट्स में रिलीज किया गया था और दोनों पार्ट्स में केजीएफ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब प्रशांत चल पड़े हैं अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, जिस काम में उनका साथ देंगे बाहुबली यानी कि प्रभास। सलार की शूटिंग हुई शुरू 2 दिसंबर 2020 को और फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया। फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा होम वाले फिल्म स्क्वाड। सलार में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमरन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। सलार की कहानी लिखी गई है प्रशांत नील द्वारा और फिल्म का प्रोड्यूस किया गया है विजय किरगंडू। सलार का ओवरऑल बजट 200 करोड़। बता दें सलार 2023 में रिलीज होगी और फिल्मों की बाकी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा जैसे मलयालम, तमिल, कन्नड़, हिंदी और बाकी अलग लैंग्वेज। अब फिल्म में और कितने चेहरों की होगी एंट्री ये देखना। क्या आ गई सलार के ट्रेलर लॉन्च की डेट? क्या प्रभास फिर दिखेंगे बाहुबली लुक में? फैंस ने क्यों किया प्रभास को छोड़? सुपरस्टार प्रभास अभिनीत तेलुगु फिल्म सलार का टीजर अगले महीने रिलीज होने की पूरी संभावना है और रिपोर्टर्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में टीजर रिलीज होने की उम्मीद है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने टीजर का काम पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा।
प्रशांत टीजर लॉन्च करने में कोई देरी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मोटिव फिल्म के आसपास प्रचार को बनाए रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म को लेकर पहले ही आसमान छूने वाली खबरें बाहर आ रही हैं और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर अब ऑडियंस को और इंतजार नहीं करवाना चाहते हैं। एक एक्शन ड्रामा फिल्म 2023 में हिंदी सहित 5 भाषाओं में रिलीज होने की उम्मीद है। दरअसल प्रशांत नील ने इस गर्मी में फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 के कैंसिल होने के कारण सलार की शूटिंग भी रुक गई थी। महामारी के कारण फिल्म की रिलीज को अगले साल के लिए ढकेलना पड़ा। प्रभास के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो क्योंकि उनकी पिछली 2 फिल्मों साहो और राधे श्याम को दर्शकों से अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे। इसलिए फैंस सलार के बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने हाल ही में KGF चैप्टर 2 जैसा मास्टरपीस बनाया है और प्रशांत ने 2 फिल्में KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया है। प्रभास अपनी हर भूमिका में अपना बेस्ट देने के लिए जाने जाते हैं और फैंस को उम्मीद है कि प्रशांत और प्रभास की जोड़ी की वजह को सलार को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि बता दें कि बाहुबली स्टार की फिल्म आदि पुरुष फिल्म सलार से पहले रिलीज होगी और प्रभास अपने डैशिंग लुक्स और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनके ऑफ स्क्रीन लुक्स ने उनके फैंस को भी कंफ्यूज कर दिया। कई मशहूर हस्तियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, नहीं तो वो अपने फैंस को खो सकते हैं। प्रभास जो हाल ही में आदिपुरुष की शूटिंग कर रहे हैं, अभिनेता जहां भी जाते हैं अपने सिर के चारों ओर एक स्कार्फ पहने हुए देखे गए। प्रशंसक सलार में उनके लुक को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वही फिल्म है जिसके वह आगे शूटिंग करने वाले हैं। इससे पहले सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने स्पष्ट किया है कि वो पर्सनल रूप से फिल्म के लिए प्रभास के नए रूप की देखभाल कर रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पिछली रिलीज राधे श्याम में अभिनेता की स्टाइल और लुक्स को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल किया गया था और प्रशंसक सलार में फिर से इसी बात का अनुभव नहीं लेना चाहते हैं। बता दें कि सलार में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रभास, श्रुति हसन और जगपति बाबू। सलार की कहानी लिखी गई है प्रशांत नील द्वारा और फिल्म को प्रोड्यूस किया है विजय किरंदूर ने। और अगर बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का ओवरऑल बजट है 200 करोड़। ये फिल्म हमें 2023 के एंड तक देखने मिल जाएगी और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या सलार में जगपति और प्रभास बनेंगे दुश्मन? कितना होगा सलार फिल्म का बजट? आखिर कौन है ये जगपति बाबू? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज एंड वी आर बैक विद अ येट एन अमेजिंग वीडियो, जिसमें आज मैं आपकी दोस्त और होस्ट लीशा चोपड़ा आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धमाकेदार मूवी सलार की, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या जगपति बाबू और प्रभास की जोड़ी लौट रही है। सब फ्रेंड्स, इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। सलार फिल्म की आहट तो हमने सुन ही ली है। अरे भाई, प्रभास फिर जो लौट रहे हैं एक धमाकेदार कमबैक के साथ। अब प्रभास हमें फिर एक बार दिखेंगे एक्शन करते हुए। सुपरस्टार प्रभास अभिनीत तेलुगु फिल्म सलार का टीजर अगले महीने रिलीज होने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में टीजर रिलीज होने की उम्मीद है। सलार एक अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जिसमें प्रभास और श्रुति हासन ने लीड रोल्स निभाए हैं। इसका प्रोडक्शन विजय किरांगदुर ने अपने होमबेल फिल्मों के तहत किया है। फिल्म को एक साथ कन्नड़ और तेलुगु में शूट किया गया है, जिसे तमिल, मलयालम और हिंदी में डब किया जाएगा। फिल्म में जगपति बाबू राजमनार नामक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात करें आगे जगपति बाबू के बारे में, तो वो एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्म में भी दिखाई दिए हैं। 33 साल के करियर में बाबू ने 170 फीचर फिल्मों में काम किया है और उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड और सत्यराज नंदी अवार्ड मिल चुके हैं। वैसे KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर की ओर से सलार नाम की एक और बिगर देन लाइफ फिल्म आने वाली है।
सुपरस्टार प्रभास और श्रुति हासन द्वारा अभिनीत ये फिल्म होमबेल फिल्म्स द्वारा निर्मित एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। टीम सलार ने फिल्म का एक दिलचस्प नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर ने जगपति बाबू को राजा मनार के खल में दिखाया गया है, ऐसा एक किरदार जो फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक निभाने को जा रहा है। फिल्म का नया पोस्टर फिल्म के थीम के बारे में बताता है। केजीएफ सीरीज के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील और हेम्बल फिल्म्स के बीच ये तीसरी पार्टनरशिप होगी। 20% शूट तो पूरा हो चुका है, अब बचे हिस्से को फरवरी 2022 तक खत्म किया जाना चाहिए। इस साल के अंत तक एक नई रिलीज की तारीख दिए जाने की उम्मीद हम रख सकते हैं। पोस्टर के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर विजय किरांगदुर ने कहा, हम सलार की दुनिया के सामने पेश करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। सलार के नए पोस्टर प्रोजेक्ट करने के पीछे का विचार अधिक इंटरेस्ट पैदा करना है। अभी हम केवल इतना बता सकते हैं कि ये किरदार फिल्म के ट्रेनिंग पॉइंट के बड़े पैमाने पर दिखने वाला है। निर्देशक प्रशांत नील ने कहा, सलार की शूटिंग को आगे बढ़ाने पर और किरदार सामने आएंगे, फिल्म को एक नया भारतीय फिल्म के रूप में बनाया जा रहा है, जिसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी हम सभी भाषाओं में इसे रिलीज करेंगे। अब हम इस फिल्म के बारे में अधिक अपडेट की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ बात करके कि आगे फिल्म का बजट की, तो फिल्म का लगभग बजट है 200 करोड़। ये फिल्म हमें 2023 के अंत तक देखने को मिल जाएगी। तो प्रभास का नया अंदाज देखने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं या नहीं, बताएं अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या प्रशांत तोड़ेंगे अपना ही रिकॉर्ड, क्या सलार तोड़ेंगे केजीएफ का रिकॉर्ड? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगवाल और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। बाहुबली को कोई ना जाने ऐसा भी हो सकता है। बॉलीवुड को एक ही झटके में हिला छुड़ाला था प्रभास ने उनके बाहुबली अंदाज। प्रभास ने अलग ही लेवल की ऊंचाई दी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को। जैसा कि हम जानते ही हैं, बाहुबली की सक्सेस की वजह से बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। बाहुबली यानी कि प्रभास बाहुबली के बाद भी रुके नहीं, उन्होंने दो बड़ी फिल्में की जैसे कि साहू और आदिशाह। बात करें अगर साहू की, साहू एक एक्शन सस्पेंस फिल्म थी और वहीं दूसरी तरफ राधे श्याम एक रोमांटिक मूवी है। प्रभास अब जुट गए हैं अपनी अपकमिंग फिल्म सलार की तैयारी में। सलार की बात करें तो सलार को डायरेक्ट करेंगे केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील। प्रशांत नील एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। प्रशांत ने करियर का डेब्यू 2014 में उग्रम से किया। प्रशांत की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म केजीएफ। केजीएफ आज तक की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म है जिसने टाइटल हासिल कर चुका है। बात करें अगर प्रशांत की लाइफ के बारे में तो प्रशांत का पूरा नाम है प्रशांत नील कांतपुर। प्रशांत का जन्म 4 जून 1980 में हुआ था। जब प्रशांत से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम कैसे रखा, तब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार। फिर वक्त के साथ उनका इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ ही बढ़ता चला गया। प्रशांत ने अपनी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और उन्होंने कई बार ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का भी फैसला किया है, लेकिन खुदा ने चमत्कार किया और उनकी झोली में आ गई उग्रम जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और बन गई थी कन्नड़ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक। प्रशांत ने फिर डायरेक्ट की केजीएफ कोलार गोल्ड माइंस फील्ड, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी यश ने और फिल्म ने किया कमाल करके, ये सब हम जानते ही हैं। केजीएफ को दो पार्ट्स में रिलीज किया गया था और दोनों पार्ट्स में केजीएफ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब प्रशांत चल पड़े हैं अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, जिस काम में उनका साथ देंगे बाहुबली यानी कि प्रभास। फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा होमबली फिल्म्स द्वारा। सलार में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमरन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। सलार की कहानी लिखी गई है प्रशांत नील द्वारा और फिल्म का प्रोड्यूस किया गया है विजय किरगंडूर ने। सलार का ओवरऑल बजट 200 करोड़। बता दें सलार 2023 में रिलीज होगी और फिल्मों की बाकी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा जैसे मलयालम, तमिल, कन्नड़, हिंदी और बाकी अलग लैंग्वेजेस। अब फिल्म में और कितने चेहरों की होगी एंट्री, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो क्या आप हैं एक्साइटेड प्रभास के न्यू स्टाइल देखने के लिए?
क्या सीन्स होंगे पहले से काफी लार्ज, कहाँ हो रही है इन सीन्स की शूटिंग, आजकल कहाँ बिजी हैं प्रभास, जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके होस्ट दोस्त अनमिता पाठक और स्वागत करती हूँ आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों बाहुबली स्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सालार को लेकर काफी चर्चा में है। ये एक एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि अभिनेता प्रभास की आने वाली फिल्म सालार में एक्शन से भरपूर इंटरवल भी होगा। थिएटर की स्क्रीन्स को डार्लिंग के फैंस के लिए सजाना शुरू कर दिया है और इंटरवल वाले सीन्स ऐसे होंगे जो दर्शकों के रोंगटे खड़े करने पर मजबूर कर देंगे। आपको बता दें कि ये सीन्स इस कदर तक आलीशान होंगे कि पिछले कुछ सालों के मुताबिक ये सबसे बेस्ट सीन्स माने जा रहे हैं। जो लोग सेट्स पर मौजूद रहकर इन्हें देख रहे हैं उनका भी ये मानना है कि ये फिल्म बाहुबली की ही तरह एक बार फिर प्रभास को टॉप की रेंज में पहुंचा सकते हैं। सालार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है जो KGF से प्रसिद्ध हुए और डार्लिंग एक्टर प्रभास के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन होने जा रहा है। ये फिल्म एक बड़े पैमाने पर शूट होने वाली है इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें मास एलिमेंट्स होंगे और ये एक वॉयलेंट आर्मी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। इस फिल्म में श्रुति हसन भी लीड रोल में होंगी जिनकी जोड़ी प्रभास के साथ पहली बार दिखने वाली है। फिल्म में जगपति बाबू भी एक अहम रोल में होंगे। बात अगर प्रभास के बाकी प्रोजेक्ट की ली जाए तो इस समय वो काफी बिजी शेड्यूल से गुजर रहे हैं। सालार के अलावा उनकी एक और फिल्म राधे श्याम काफी चर्चा में है जिसमें इनके साथ नजर आएंगी पूजा हेगड़े। ये एक रोमांटिक कहानी होगी जिसका फैंस को काफी इंतजार है। प्रभास की ये फिल्म संक्रांति के आसपास रिलीज होगी जबकि सालार भी फरवरी के महीने तक रिलीज की जानी है। इसके अलावा प्रभास बॉलीवुड में सैफ अली खान, कृति सेनन जैसे स्टार के साथ आदि पुरुष में भी नजर आएंगे जिसमें वो श्री राम बने हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनमें से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कब्जा करेगी तो ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिल्मों से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस। आपको आज की वीडियो घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। किससे 10 कदम आगे है प्रभास, सलार में क्या नया कर रहे हैं प्रशांत ने, रजनीकांत से हुई प्रभास की तुलना का क्या है राज। दोस्तों एक बात तो पक्की है, बाहुबली स्टार प्रभास अब बाहुबली ब्रांड से भी बड़े एक ब्रांड है और फिर आज जिस तरह के प्रोजेक्ट वो चूज कर रहे हैं उस हिसाब से उनके लिए फैंस की दीवानगी देखने लायक है। अब उनके वाले 25वें प्रोजेक्ट के लिए फैंस के बीच खासा क्रेज है जो बाउंड्रीज क्रॉस किए जा रहा है, लेकिन इसी बीच ये खबर सुनने आ रही है उनकी अचीवमेंट के चलते उनकी सारी स्टार्स कुछ जलन जैसा महसूस कर रहे हैं। आप देखिए प्रभास से पहले बहुत से स्टार्स ने बॉलीवुड में एंट्री लेने की कोशिश की लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद प्रभास जितना तो कोई और ही सफल रहा हो। बाहुबली के बाद उनकी फ्लॉप फिल्म साहो भी आई लेकिन उससे भी उनको लेकर फैंस के का क्रेज खत्म नहीं हुआ और उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी ऑडियंस को थिएटर तक लाने का दम रखती है। उसके बाद से लेकर अभी तक भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें अच्छा खासा लालच दे रहे हैं। उनके आने वाली फिल्म आदि पुरुष और सलार उन्हीं में से एक है। ये बात यहीं तक नहीं रुकी, खबर है कि अब टी सीरीज भी उन्हें अपनी एक मूवी में एंट्री लेने के लिए कह रहे हैं, इसकी कोशिश जारी है। साउथ से आए किसी और स्टार यहाँ तक कि रजनीकांत को लेकर भी इतना क्रेज नहीं था जैसा कि प्रभास के लिए है। बॉलीवुड में उनकी डिमांड इस समय सलमान खान और शाहरुख जैसी ही कुछ है। अब इसका नतीजा ये है कि साउथ में कुछ बड़े बड़े स्टार्स जो बॉलीवुड में ऐसा मुकाम बनाना चाहते हैं आजकल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर ग्रैंड लॉन्च की प्लानिंग कर रहे हैं। खैर हम तो यही कहेंगे कि ऐसी चीजें प्लान नहीं की जा सकती और ये अपने आप ही होती है। हालांकि उससे पहले कि ये स्टार्स अपनी अपनी जगह बनाने के लिए एक स्टेप आगे लेते प्रभास अपनी उनसे 10 कदम आगे हैं जिससे वो आज देश भर में अपने कदम जमा रहे हैं। वहीं बात उनकी आने वाली मूवी सलार की करें तो प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस मूवी में प्रभास के साथ श्रुति हसन भी है। ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी है। आपको बता दें कि मूवी में कई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा जो आज तक किसी भी हिंदी मूवी में यूज नहीं की गई है। ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है जिससे वीडियो मेकिंग और भी आसान हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए निर्देशक ने काफी मोटी रकम खर्च की है जिसका नतीजा मूवी आने के बाद आपको पता चल ही जाएगा।
घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। का क्या कहना है? क्या इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है? इस फिल्म का नाम सलार होने की क्या वजह है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जल्दी आने वाली है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त फिल्मों का तूफान। KGF चैप्टर 2 में तो पहले से ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रखा है, और उसके बाद ही अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्प और प्रभास की आने वाली पिक्चर सलार भी लाइन में अपना नंबर लगाए खड़ी है। 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली ये एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो सलार प्रशांत नील द्वारा लिखी और डायरेक्ट की जा रही है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर विजय के रघुंदन होंगे और सलार को होमबेड प्रोविन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। फिल्म के लीड एक्टर प्रभास हैं पूरी तरह तैयार अपनी फाड़ू परफॉर्मेंस देने के लिए। सलार की शूटिंग 2021 के शुरुआत में ही शुरू हो चुकी है। सलार को लॉन्च करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 16 जनवरी 2021 को की गई थी, और उसके कुछ दिनों बाद ही इस फिल्म के कास्ट एंड क्रू के साथ बेहद एक्साइटमेंट के साथ 29 जनवरी 2021 को सलार की प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक सलार की शूटिंग खत्म हो जाएगी और इस फिल्म के प्रोडक्शन को रैप अप कर दिया जाएगा, और अगले साल इस फिल्म थिएटर्स में बिल्कुल दिवाली में फोड़े गए बॉम्ब की तरह धमाका मचाएगी। सलार के मेकर्स हैं पूरी तरह से तैयार इस फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज करने के लिए। कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज के साथ इस फिल्म को शूट किया जा रहा है। दिसंबर 2021 तक इस फिल्म की शूटिंग को खत्म करके फिल्म के मेकर्स अगले साल सलार के रिलीज के साथ आने वाले हैं। 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी प्रभास स्टारर ये एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो प्रभास के फैंस को फिर एक बार उनका दीवाना बना देगी। सलार एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब है कैप्टन या फिर लीडर। हिंदी में जिसे नेता भी कहा जा सकता है। सलार यानी एक ऐसा इंसान जो लोगों का नेतृत्व करना जानता हो। इस फिल्म में प्रभास का नाम होगा सलार, और वो एक लीडर के रूप में नजर आएंगे। यही वजह है इस फिल्म का नाम सलार रखा गया है, क्योंकि प्रभास के द्वारा एक नेतृत्व करता हुआ इंसान कैसा होना चाहिए वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। सलार की कहानी और प्रभास की इम्पैक्टफुल किरदार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। तो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे आपके पास एक नई मूवी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर को लेकर। तब तक आप देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या फिल्म में ज्योतिका दिखेंगी? क्या होने वाला है फिल्म में श्रुति हसन का किरदार? क्या सलार एक रीमेक फिल्म होगी? नमस्कार बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं रिलीजिंग के लिए, जिसमें राधे श्याम आदि पुरुष और डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है। जी हां, आने वाली सलार फिल्म से प्रभास तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबरदस्त लुक सामने आया है, तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट देखी गई है। फिल्म में पहली बार प्रभास और श्रुति हसन की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा, और इस फिल्म में श्रुति हसन एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती हैं, पर अभी तक इस पर कुछ ऑफिशियल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है, और वो है साल 1997 में बॉलीवुड की फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ज्योतिका का, जो अब आने वाली फिल्म में प्रभास की बहन का रोल करते हुए नजर आ सकती हैं। ज्योतिका तमिल तेलुगु हिंदी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी हैं। उन्हें वाली, टैगोर, खुशी, मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है। सलार में उनका रोल होगा या नहीं, वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं, इसकी कंफर्मेशन मेकर्स द्वारा अभी तक नहीं की गई है। तो देखते हैं क्या ज्योतिका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं।
बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरें काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कन्नड़ फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था। पर इस बात से सलार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि सलार फिल्म की कहानी एकदम नई है और जो सिर्फ घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। कैसा इतिहास रचने जा रहे हैं प्रशांत जी? किस टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा में आए प्रशांत? इस टेक्नोलॉजी और क्रिस्टोफर नोलान का क्या है कनेक्शन? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलार के बारे में। प्रभास स्टारर ये मूवी फिलहाल प्रोडक्शन से गुजर रही है। अब चूंकि इस मूवी को केजीएफ के कर्ता धर्ता प्रशांत नील बना रहे हैं, तो मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा ऊंची है। और अब निर्देशक अपने इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा डायनामिक और यादगार बनाना चाहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा वो कैसे करने वाले हैं, तो उसके लिए तो आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर जुड़ना होगा। दरअसल यूं तो प्रशांत को मूवी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही मूवी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी है। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए प्रशांत अपनी इस एक्शन थ्रिलर मूवी में हॉलीवुड टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में खास बात ये है कि ये फॉरेन टेक्नोलॉजी पहली बार किसी इंडियन मूवी के लिए यूज की जाएगी। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि साउथ तो छोड़िए, ये आज तक बॉलीवुड में भी यूज नहीं की गई थी। इस टेक्नोलॉजी का नाम डार्क सेंट्रिक थीम टेक्नोलॉजी है। क्या आप जानते हैं कि ये आज तक हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों जैसे टेनेट, बैटमैन और मैट्रिक्स में ही यूज की गई है। खास बात ये है कि इस टेक्नोलॉजी को क्रिस्टोफर नोलान ने पॉपुलर बनाया था, जिन्होंने अपनी कई फिल्मों में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक किसी हिंदी मूवी में इसका यूज नहीं किया गया। शायद इंडिया में इसे शुरू करने के लिए प्रशांत का नाम ही लिखा था। इससे वो इतिहास जरूर लिखने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी व्यूअर्स को फिल्में देखने का एक बिल्कुल ही अलग और खास अनुभव महसूस कराने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। खैर, प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस मूवी में प्रभास के अलावा श्रुति हसन भी लीड रोल में है, जो धमाकेदार एक्शन के साथ कमबैक कर रही है। ये मूवी अगले साल अप्रैल में रिलीज होनी है। हालांकि क्रैश को टालने के लिए पोस्टपोन भी किया जा सकता है। आपको आज की ये वीडियो और इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है सलार का बजट? सलार के बाद प्रभास की अब दीपिका के साथ नजर आने वाले साउथ इंडियन फिल्मों के फैंस को क्यों कहा जाता है क्रेजी? वक्त के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, जैसे कि वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता, वक्त वक्त की बात है, वगैरह वगैरह।
लेकिन अब वक्त आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि कुछ ही दिनों में प्रभास की फिल्म सालार की शूटिंग कंप्लीट होने वाली है। फिल्म कंप्लीट होने के बाद रिलीज होने तक हर दिन नई नई खबरें बनेंगी या यूं कहीं बनाई जाएंगी, लेकिन उन सारी खबरों को आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। ऐसी कुछ खबरों को आज हम बताएंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रुति और आप सबका बॉलीवुड स्टूडियोज के इस वीडियो में स्वागत करती हूं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी किया। जी हाँ, यही कुछ कहा हुआ है। इस फिल्म के साथ मेकर चाहे कितना भी ना कहे या हाँ कहे, आने वाली फिल्म 200 करोड़ की लागत में बन रही है, इसका पता पूरे हिंदुस्तान को लग चुका है। फिल्म की पोस्टर, लोकेशन, स्टार कास्ट, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बिग बजट ना हुई तो आश्चर्य होगा। अब जब आप हिंदुस्तान के आने वाले सबसे महंगी फिल्म में काम करने वाले हो तो आपको तो बाकी इंडस्ट्री से भी ऑफर आना शुरू हो जाती है। पिछले दिनों सुनने में आया है प्रभास और दीपिका पादुकोण एक साथ किसी फिल्म में दिखाई दे सकते हैं। अब इसी बात का कंफर्मेशन अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। वैसे ये बात तो सलार के लिए अच्छी है, किसी और की पब्लिसिटी, मार्केटिंग और झूठी अफवाहों का फायदा सलार को हो सकता है, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैसे कई फैंस किसी की खूबसूरती के दीवाने होते हैं, किसी के काम के दीवाने होते हैं, तो किसी के स्टाइल के दीवाने होते हैं, लेकिन साउथ इंडियन फिल्मों के फैंस सिर्फ दीवाने होते हैं। फिर चाहे फिल्म रिलीज होने पहले हो, फिल्म की पोस्टर का दूध से अभिषेक करना हो या 10-10 घंटे फिल्म की टिकट के लिए लाइन में खड़े रहना, और ये सब गुण साउथ इंडियन फिल्मों के ऑडियंस में बहुत ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा कि प्रभास, सलू, अर्जुन, रजनीकांत, कमल हसन, मामूटी और मोहनलाल जैसे कलाकारों के फैंस तो सारी हांदे पार कर देते हैं। और वैसे भी हद में रहकर किसी से प्यार नहीं किया जाता दोस्तों, प्यार में हद से गुजर जाना मैंडेटरी है, और शायद इसी बेपनाह प्यार की वजह से साउथ के फैंस को क्रेजी कहा जाता है। बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म का इंतजार अब बहुत हुआ, अब तो हर कोई थक चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा यानी सलार होता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सलार का इंतजार करना सही था या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, पैन इंडिया स्टार प्रभास किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इस समय उनके पास कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से आजकल वो सलार और आदि पुरुष को लेकर सबसे ज्यादा बिजी हैं। ये फिलहाल उनके सबसे बड़े दो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर प्रभास का ध्यान इन दिनों लगा हुआ है। जहां सलार को KGF फेम निर्देशक प्रशांत नील निर्देशित कर रहे हैं, तो वहीं आदि पुरुष को बॉलीवुड निर्देशक ओम राउत बना रहे हैं। इन फिल्मों की शूटिंग के अलावा प्रभास जल्द ही अपने अगले प्रोजेक्ट का काम शुरू करेंगे और इस प्रोजेक्ट का नाम फिलहाल के रखा गया है। नाग अश्विन जैसे निर्देशक द्वारा निर्देशित इस मूवी में उनके साथ अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण भी लीड रोल्स में है। उसके बाद प्रभास के पास संदीप रे की बांगा की स्पिरिट भी है। ये मूवी भी आजकल बहुत चर्चा में है। ये प्रभास की 25वीं फिल्म होगी जो 2022 के बीच में फ्लोर पर आ जाएगी। ये तो बात रही उनके आने वाले प्रोजेक्ट की और उनके शेड्यूल की, लेकिन इस बीच एक बात जिसने सबको हैरान किया हुआ है और अब जानने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाएं, वो है प्रभास की फीस। उससे पहले आपको बता दें कि सलार और आदि पुरुष समेत अभी तक की अपनी मूवी के लिए प्रभास 80 करोड़ रुपए की फीस लिया करते थे, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा है, लेकिन अब उन्होंने इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जी हाँ, हैरानी की बात है कि बाहुबली ने अपनी फीस 80 से सीधा 100 करोड़ रुपए कर दी है, जिसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट की और उसके बाद आने वाली प्रोजेक्ट के लिए प्रभास के लिए रकम की मांग करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा होते ही प्रभास साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत के बाद हाईएस्ट पेड एक्टर बन जाएंगे। प्रभास एक साल में आमतौर पर 3-4 फिल्में लेकर आते हैं, जिससे वो जल्दी और भी बड़े स्टार बन जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि कितने मूवी मेकर्स उनकी ये डिमांड पूरी कर पाते हैं। क्या प्रभास मेकर्स को अपनी बात मनवा पाएंगे या वापस से
घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो। क्या सालार में छाएगा मिस इंडिया का जादू? क्या सालार से हट गया है श्रुति का रोल? किसे कास्ट किया गया है प्रशांत नील द्वारा? जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूँ आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों यंग रेबल स्टार प्रभास इन दोनों KGF के करता धरता प्रशांत नील की आने वाली फिल्म सालार में हाई वोल्टेज एक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। फिल्म की शूटिंग आजकल हैदराबाद में तेज गति से चल रही है, जबकि प्रभास खुद भी सालार और आदि पुरुष के सेट के बीच जुगलबंदी कर रहे हैं। सालार की शूटिंग इस साल के अंत से पहले पूरी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल फिल्म में श्रुति हसन भी लीड रोल में नजर आएंगी। हालांकि ताजा खबर तो ये है कि फिल्म में एक और लीड एक्ट्रेस भी होने वाली है और मेकर्स उसी की तलाश में है, लेकिन अब लगता है कि उनकी तलाश एक एक्ट्रेस पर आकर रुक चुकी है। दरअसल मेकर्स ने फिल्म के लिए मीनाक्षी चौधरी को फाइनल किया है। मीनाक्षी 2018 में मिस इंडिया होल्डर रह चुकी हैं और वो धीरे धीरे तेलुगु सिनेमा में भी बिजी होती जा रही हैं। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने इस रोल के लिए मीनाक्षी को यूज किया है और उम्मीद है कि फिल्म के अगले शेड्यूल से ही वो यूनिट के साथ शूटिंग करती दिखेंगी। AGF 2 जिसे 2022 तक टाल दिया गया है, उसके बाद उम्मीद है कि सालार अब 2022 के अंत तक तो रिलीज नहीं ही होने वाली है, ये 2023 की शुरुआत में ही बेशक रिलीज हो सकती है। मीनाक्षी चौधरी आजकल रमेश वर्मा के निर्देशन में बन रही एक्शन ड्रामा खिलाड़ी में एक्टर रवि तेजा के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हैं और अब उन्हें प्रभास की फिल्म सालार में लिया गया है। फिल्म सालार एक एक्शन थ्रिलर होने जा रही है और इसे KGF के प्रोड्यूसर विजय किरगांदुर प्रोड्यूस कर रहे हैं। KGF चैप्टर 1 की सफलता ने प्रशांत नील को तेलुगु सिनेमा के कुछ ए लिस्टर्स का ध्यान आकर्षित करने में मदद की है। उन्होंने अपनी अगली निर्देशन वाली फिल्म के लिए जूनियर NTR को भी साइन किया है। इसी बीच वो अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म KGF 2 की रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म में लीड रोल में आपको पता ही है कि कौन है, एक्टर यश। जबकि सीक्वल में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी एक शक्तिशाली खलनायक और रवीना टंडन भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। सलार के अलावा प्रभास बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म प्रोजेक्ट के में दिखाई देंगे। उनके पास राधा कृष्ण कुमार की राधे श्याम भी है, जिसमें पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में है, जो अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म और स्टार्स के बारे में ऐसी कई और बातों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्यों हो रही है मेकर्स को सलार की रिलीज की चिंता? क्यों जोर पकड़ा है प्रभास की शादी की स्पेकुलेशन? श्रुति हसन को क्यों पसंद है और OTT से ज्यादा थिएटरिकल रिलीज? ऐसा काम करो कि नाम हो जाए या फिर ऐसा नाम कमाओ कि सुनते ही काम हो जाए। जी हाँ, इस लाइन को अगर कोई जी रहा है तो वो है इंडिया के आज के सुपरस्टार प्रभास और उनकी आने वाली फिल्में। अब उनकी आने वाली फिल्मों में ऐसा क्या खास है और इनके बारे में आजकल क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मैं श्रुति बॉलीग्राड स्टूडियोज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हाल है सलार फिल्म के मेकर्स का। इस बात का पता चला कि सलार और KGF 2 बैक टू बैक शायद एक ही हफ्ते में या शायद एक ही दिन रिलीज हो सकती है, तो पहले तो खुश होने वाले मेकर्स अब इस बात से ही परेशान होने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंडिया में जहां भी फिल्में बनती हैं वहां की एक कड़वी सच्चाई रही है कि दो बिग बजट फिल्में अगर एक साथ रिलीज हो तो नुकसान दोनों का होता है। अब यही चिंता प्रोड्यूसर विजय किरगंदूर और होम मिल फिल्म्स को हो रही है। अब इससे पहले इस प्रोडक्शन हाउस ने कई सारी हिट फिल्में बनाई हैं, लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा अलग है। आपको क्या लगता है ऐसे समय में मेकर्स के लिए सही ऑप्शन क्या है? आपकी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
प्रभास की उम्र लगभग 41 साल है और कहा जा रहा है कि शायद अगले साल वह शादी कर सकते हैं। वैसे बता दे, ऐसी बातों पिछले 6 सालों में कई बार हो चुकी हैं जब से बाहुबली फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन प्रभास ने भी अपने ही स्टाइल में कभी शर्मीले तो कभी बेबाक अंदाज में इन बातों को खंडन भी किया और कभी कभी इन बातों पर चुप्पी भी साधी। अब इसे क्या क्यों ऑडियंस में उत्सुकता बनाए रखने या बड़ी चालाकी से सुमड़ी में ऐसे सवालों से निकल जाना। प्रभास का नाम इससे पहले इलियाना डिक्रूज और उनकी बाहुबली की कोस्टार अनुष्का शेट्टी से जुड़ चुका है। अब देखते हैं आने वाली बिग बजट फिल्म के साथ वो कोई बिग अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलार एक्ट्रेस श्रुति हासन ने कहा कि उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज्यादा थिएटर में फिल्में देखना पसंद है, लेकिन अपनी इस बात को आगे ले जाते हुए वे कहती हैं कि अगर थिएटर में फिल्म देखने के दौरान कोई डिस्टर्बेंस हो तो शायद सबसे अच्छा ऑप्शन घर में बैठकर मोबाइल या टीवी पर ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए फिल्म देखना है। उनका कहना है कि जो एक्सपीरियंस थिएटर में मिलता है उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। बात तो सही है। 9 सितंबर को उनकी और विषय सेतुपति की फिल्म लामबम रिलीज होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा ऑडियंस इस फिल्म को पसंद करती है या वेल ट्राई या बेटर लक नेक्स्ट टाइम कह के आगे बढ़ती है। वैसे आजकल हर किसी को हिट फिल्म का इंतजार है, उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म हिट साबित हो। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अब्राहम होने वाले हैं सलार का हिस्सा। सलार में क्यों श्रुति हसन नजर आएंगी प्रभास के साथ रोमांस करते हुए? सलार के बाद प्रभास और कौन-कौन सी फिल्मों की कर रहे हैं तैयारी? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही है। डायरेक्टर प्रशांत नील और एक्टर प्रभास की ये जोड़ी अवश्य ही फिल्मी दुनिया में एक धमाका करने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी कई किरदार हैं जो इस फिल्म की सक्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड एक्टर सुपरस्टार जॉन अब्राहम को फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने मेन विलन का किरदार निभाने का ऑफर दिया है। हालांकि दोस्तों, इस बारे में कोई कंफर्मेशन या पक्की खबर नहीं आई है। जॉन अब्राहम अगर सलार में विलन के रूप में देखने को मिलेंगे तो प्रभास और जॉन का आपसी टक्कर देखने में मजा आएगा। ये टक्कर फिल्म में एक अलग तड़का डालने का काम भी करेगी। लेकिन दोस्तों, ये खबर अभी पक्की नहीं हुई है और जॉन अब्राहम अभी अपनी आने वाली फिल्म अटैक की प्रमोशनल इवेंट्स को लेकर काफी ज्यादा बिजी हैं। अब जॉन हमें विलन के अवतार में सलार में देखने को मिलेंगे या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। सलार के रोमांटिक एंगल की बात करें दोस्तों, तो प्रभास के साथ श्रुति हसन पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। दोस्तों बता दूं कि प्रभास ने भी श्रुति हसन के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए हैप्पी बर्थडे विश किया था उन्हें और सलार की टीम में वेलकम किया था। प्रभास ने ये भी लिखा था कि श्रुति हसन के साथ काम करने के लिए वो काफी एक्साइटेड हैं और ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। सलार के धमाके के बाद प्रभास एक के बाद एक जबरदस्त मूवीज लेकर आने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, प्रभास अपनी फिल्म राधे श्याम को रिलीज होने के बाद सलार का धमाका करेंगे और फिर अपनी कई सारी आने वाली फिल्मों की रिलीवेशन भी करने वाले हैं। इन सब के बाद प्रभास नाग अश्विन द्वारा डायरेक्ट की गई नई पिक्चर की शूटिंग के लिए तैयार हैं, जहां दीपिका पादुकोण फीमेल लीड में रोल में नजर आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभास ने अपनी फिल्म आदि पुरुष की अनाउंसमेंट भी कर दी है, जो कि 11 अगस्त 2022 में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ये एक 3D पिक्चर होगी जो कि ओमकार द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली है और इस पिक्चर की मेजर सीन्स मुंबई में ही शूट किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप प्रभास की कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है।
कामयाबी को गले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। क्यों सलार एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है? क्यों है श्रुति हासन के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म? बहुत ज्यादा मिलने वाली पब्लिसिटी क्या सलार का खेल खराब करेगी? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य सलार के बारे में शायद सच भी हो सकता है। अब ये कैसे, क्यों और कहां से आया, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज के इस वीडियो में। वैसे आजकल जो फिल्में ज्यादा चर्चा में हैं, उनकी बातें यहाँ वहाँ से सबको पता चल ही जाती है, फिर चाहे वो बातें सच्ची हो, झूठी हो, किसी की फैलाई हुई हो या मेकर्स की अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, पब्लिक को तो पता चल ही जाता है, लेकिन उन बातों का असली मतलब कभी कभी हम समझ नहीं पाते। तो चलिए इस वीडियो में मैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब तो ये तय हो गया है कि आने वाले साल भर में जो चार फिल्में सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगी वो होंगी राधे श्याम, RRR, KGF 2 और सलार। ध्यान देने वाली बात यह है कि चारों फिल्में साउथ इंडस्ट्री से आती हैं और एक और फिल्म जो इन फिल्मों के साथ कम्पीट करेगी वो होगी आदि पुरुष। अब इसे महज संयोग समझे या पांचों उंगलियां घी में डूबी होने कही कि सबसे बड़ी तीन बिग बजट फिल्में प्रभास की है और इन सारी बातों का इफेक्ट आपको सलार की पॉपुलैरिटी पर होता दिखाई दे रहा होगा। जैसे छिपकली को खींच खींच कर मगरमच्छ बनाने वाली कहावत है, कुछ इसी तरह से सलार फिल्म की खबरें आती रहती है। डायरेक्टर आज उस पार्टी में गए, प्रभास आज उस पार्टी में गए, श्रुति हसन आज उसके साथ दिखाई दी, ये फिल्म इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, आज उन्होंने ये कपड़े पहने थे और न जाने क्या क्या। लेकिन एक्सपीरियंस लोग कह गए खाने को ज्यादा मत पकाओ वरना वो जल जाएगा। अभी फिल्म से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है कि एक छोटी सी गलती जो शायद अन्य फिल्मों के मामले में माफ भी हो जाए, इस फिल्म को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे ये फिल्म किसी का फायदा करा रही है और वो और कोई नहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रुति हसन का। श्रुति हसन इससे पहले कई बिग बजट मूवीज में दिखाई दे चुकी है, उनकी कई फिल्में हिट रही है और कई फिल्में फ्लॉप भी रही है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि ये एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है, इसलिए ये पूरी तरह से हिंदुस्तान में प्रदर्शित होने वाली बिग बजट फिल्म है। श्रुति चाहेंगी कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो। श्रुति ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन कुछ गिनी चुनी फिल्म छोड़ के दो चिनके हिस्से निराशा ही आई है। जैसा कि हमने अब पहले भी कहा, जरूरत से ज्यादा मिलने वाली पब्लिसिटी सलार का गेम बिगाड़ सकती है। कुछ दिनों पहले ही प्रभास और RRR फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली फिल्म की रिलीज डेट के क्लैशेस से रिलेटेड बात करने के लिए मिले थे, हालांकि इससे कुछ होता दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी बातें रोज होंगी, हर रोज अफवाहें जोर पकड़ेंगी और रोज शांत भी होंगी। यही तो फिल्म इंडस्ट्री का कमाल है, काम करने वाले चुपके से काम कर जाते हैं और बाकी लोगों के लिए रह जाती है तो सिर्फ बातें। ऐसी ही और मजेदार बातें करेंगे अगले वीडियो में एक नए घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या है सलार का मौजूदा स्टेटस, कौन सी अफवाह सच साबित हुई और कौन सी झूठ, फैंस क्यों कर रहे हैं अपनी हदें पार सलार के इंतजार में, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में। और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के खास पेशकश में। तो दोस्तों, आए दिन सलार फिल्म के बारे में कई अफवाहें, कई सच्ची झूठी बातें फैलती हैं या यूं कहे फैलाई जाती हैं। अब इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहें या मुफ्त में मिलने वाली पब्लिसिटी, कुछ भी कहें, फिल्म की पॉपुलैरिटी के लिए ये काफी फायदेमंद है। बात करें फिल्म सलार के मौजूदा स्टेटस की, तो दोस्तों काफी हद तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और कुछ सीन्स फिलहाल फिल्माना बाकी है। एक ही वक्त कई सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम चल रहा है और शायद इसी वजह से कुछ खामियां, कुछ कमियां दिखाई दे तो रीशूट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये फिल्म KGF के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद रिलीज होगी और इस फिल्म से पहले प्रभास की एक और बड़ी फिल्म राधे श्याम भी रिलीज होगी। प्रभास की पॉपुलैरिटी को देखते हुए दोस्तों ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शूटिंग करने में कितनी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आज शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी होगा जो प्रभास को नहीं जानता होगा। और दोस्तों, अगर वो उसे देख
निकले तो उनसे मिले बिना नहीं रह सकता। अगर आप भी प्रभास के फैन हैं तो प्रभास की आने वाली फिल्म के बारे में जानकारी देने वाले इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों जब बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार की हो रही है और दोस्तों उनकी आने वाली सबसे बड़ी बिग बजट फिल्म की हो रही हो तो अफवाह का बाजार गर्म होना बनता ही है, फिर चाहे अफवाह उसी फिल्म से रिलेटेड हो या किसी और फिल्म से। जैसे कि सुनने में आया था प्रभास की एसएस राजामौली के साथ कुछ अनबन हो गई है और इसका कारण बताया जा रहा था राधे श्याम और ट्रिपल आर मूवी का टकराव होना, लेकिन बात दोनों के बीच में थी और कुछ अनबन हो ही नहीं थी। दोस्तों दूसरी ओर ये भी सामने आया कि प्रभास अपनी को स्टार के साथ कंफर्टेबल नहीं है, फिर चाहे राधे श्याम की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हो या सलार की एक्ट्रेस श्रुति हसन, लेकिन ये भी सिर्फ एक अफवाह साबित हुई। हमने कई सोशल मीडिया साइट पर पढ़ा, इंटरनेट पर चल रहे कई वीडियोस में देखा कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी दिव्या अग्रवाल प्रभास की फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं। इतने दिनों से इस बात पर चुप्पी साधे बैठी दिव्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों की चलाई हुई अफवाह है। उन्होंने आखिर ये कहा कि अगर वो कुछ नया लेकर आ रही है तो किसी और से पहले वो खुद ये बात ऑडियंस को बताएंगी। हालांकि दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि प्रभास के साथ अपना नाम जोड़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या ये अफवाह कोइंसिडेंस थी या कुछ और? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सलार का इंतजार दोस्तों अब किसी से सहा नहीं जा रहा है। फैंस का कहना है एक तो पहले से ही केजीएफ 2 पोस्टपोन हो गई है, ट्रिपल आर भी आगे चली गई है, राधे श्याम के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा, ऐसे में सलार जल्द से जल्द रिलीज हो यही उम्मीद है। आज ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और कई सोशल मीडिया साइट पर प्रभास, आदि पुरुष, राधे श्याम, सलार इन नामों के हैशटैग देखने को मिल रहे हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि बाकी हैशटैग डाउन हो चुके हैं। अब दोस्तों वैसे किसी ने सही ही कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। इसी बात के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। हम घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल नजर आ सकती है सलार में? क्या होने वाली है प्रभास की सलार की खास बातें? आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जया। दोस्तों जब से प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार की अनाउंसमेंट हुई है तभी से फिल्म का इंतजार है और इसकी खास बात यह है कि इसको जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो है प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ जैसे फिल्म को डायरेक्ट किया है। अब इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि जब दो आइटम बॉम्ब एक साथ फटेंगे तो क्या कुछ होगा। तो प्रभास और प्रशांत नील का मिलन कुछ इसी तरह का चमत्कार देखने को मिल सकता है हमें पर्दे पर। और अब इससे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, पहले तो आपको बता दें कि प्रभास के साथ इस फिल्म में श्रुति हसन होने वाली है और अब खबर आ रही है कि बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल भी इस फिल्म में हो सकती है। अभी ये खबरें ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन दिव्या जब से जीती है एक अलग ही तरह की वो लाइमलाइट एंजॉय कर रही है, हर जगह सुर्खियों में बनी हुई है, तो हो सकता है कि उनका डेब्यू होने जा रहा है। और डेब्यू भी सोचिए, किस्मत सोचिए कितनी अच्छी है कि सीधा साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म होकर फिल्म को डायरेक्ट कर प्रशांत नील उन्हें डायरेक्ट करेंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होने वाला है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि वो वाकई इस फिल्म में होंगी या नहीं। इसके अलावा आपको बता दें सलार का क्या मीनिंग है, इस बारे में प्रशांत नील ने बताया था कि सलार का मतलब होता है कमांडर इन चीफ और कमांडर बनते हुए नजर आएंगे इस फिल्म में प्रभास। साथ ही आपको बता दें कि एक लुक भी शेयर किया गया था प्रभास का, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, उनके हाथ में गम थी और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वो लग रहे थे। तो दोस्तों बहुत कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस शेर से वो नफरत करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया वया के भाषण झाड़ते हैं। आखिर कितनी बड़ी हिट होगी सलार? क्या ये फिल्म प्रभास के हॉलीवुड के दरवाजे खोल देगी और फिल्म का इस वक्त क्या स्टेटस है?
हेलो दोस्तों, अगर आप भी प्रभास की आने वाली फिल्म सलार का इंतजार करते करते थक चुके हैं तो इस वीडियो को देखिए और अपनी थकान दूर करिए। बॉलीग्राड स्टूडियोज आपके लिए लेकर आया है एक आने वाली फिल्म के बारे में कई सारी जानकारियाँ। आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। खास तौर पर थियेटरिकल रिलीज के लिए बनी फिल्म सलार अब चर्चा में है और चर्चा इस बात की है कि क्या ये फिल्म अपने सोशल इफेक्ट्स के जरिए हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे पाएगी या नहीं। ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि प्रभास की फिल्में टेक्निकल प्रेजेंटेशन के मामले में सबसे आगे है और खास तौर पर सलार, क्योंकि इस फिल्म में डार्क स्ट्रीम थीम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये टेक्नोलॉजी हॉलीवुड में और खास तौर पर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। सालों पहले आई फिल्म मैट्रिक्स और उनके अन्य पार्ट्स में भी ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। और दोस्तों, बैटमैन ट्रायोलॉजी को कौन भूल सकता है। माना जा रहा है कि डीसीटी टेक्नोलॉजी यूज करने वाली सलार पहली हिंदुस्तानी फिल्म होगी। अब दोस्तों, ऑडियंस इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसका अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन सबके लिए ये कुछ अलग एक्सपीरियंस साबित होगा। बात करें प्रभास की तो वो अब पूरे एशिया में पॉपुलर हो चुके हैं। उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया जैसी कई देशों में बेसब्री से किया जा रहा है। हमने इससे पहले भी कई फेमस एशियन सुपरस्टार को हॉलीवुड में नाम कमाते और फेमस होते हुए देखा है। शायद ये फिल्म प्रभास की जिंदगी की वही फिल्म साबित हो सकती है जिससे उनके लिए हॉलीवुड के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या प्रभास हॉलीवुड में काम करना चाहेंगे या नहीं। इससे पहले कई इंडियन सुपरस्टार को हॉलीवुड से कई रोल ऑफर हुए हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने हॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया। बात अगर दोस्तों सलार से जुड़ी उठने वाली अफवाहों की करें तो दोस्तों एक खबर ऐसी भी आई है कि बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रह चुकी दिव्या अग्रवाल को इस फिल्म में कास्ट किया गया है। इस बात से दिव्या के फैन काफी खुश हैं और मैसेजेस और वीडियोस के जरिए वो इस बारे में पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के हवाले से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है। और दोस्तों, अब ये सच है या सिर्फ एक अफवाह, और अगर ये अफवाह है तो इस अफवाह के पीछे का क्या राज और क्या कारण है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिल्म की शूटिंग इस वक्त चल रही है, हालांकि पेंडेमिक सिचुएशंस और अन्य कारणों की वजह से शूटिंग में डिले होता रहा है, लेकिन दोस्तों फिलहाल फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है फिल्म। प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस को भी काफी उम्मीदें हैं। इस फिल्म के मेकर्स ही KGF फिल्म के निर्माता भी हैं, तो दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी आशा करना गलत नहीं होगा। फिल्म का कितना भी बड़ा बजट क्यों ना हो, जब तक फिल्म दर्शकों का दिल नहीं छू लेती तब तक फिल्म को कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, एक बार आपने दिल जीत लिया तो दोस्तों उसके बाद बॉक्स ऑफिस जीतना मुश्किल नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री का दिल आया प्रभास पर क्यों कर रही हैं श्रुति हसन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने को स्टार को थैंक्स। नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बाहुबली से फेम पाने वाले साउथ एक्टर प्रभास ने मिला लिया है अब KGF फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील से हाथ। जी हाँ, जल्द ही प्रशांत नील की निर्देशन में बनने वाली सलार फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे प्रभास। इस फिल्म में वो डार्क शेड किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं बताया जा रहा है कि सलार फिल्म में मचने वाला है डबल धमाल, क्योंकि आने वाली इस एक्शन पैक्ड फिल्म में प्रभास एक नहीं बल्कि दो किरदार करते नजर आएंगे। जहां उनका एक किरदार तो मैकेनिक होने वाला है, वहीं दूसरा किरदार में प्रभास एक एजेड मैन के किरदार में निभाते नजर आएंगे, और ऐसा वो किसी फिल्म में पहली बार करने जा रहे हैं। अगर ये बात सच निकलती है तो भाई फिर तो फिल्म देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है हमारे दर्शकों को। वहीं फिल्म में तो वेरी हॉट एंड चार्मिंग एक्ट्रेस श्रुति हसन भी प्रभास संग मेन लीड में नजर आने वाली है।
और हाल ही में श्रुति हसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट जारी करते हुए प्रभास को कहा है थैंक्स, और इसके पीछे की वजह रही लंच बॉक्स। जी हाँ, वेडनेसडे यानी 8 सितंबर को प्रभास ने श्रुति हसन को एक खाने से भरा लंच बॉक्स पहुंचवाया, जिसमें बिरयानी, दाल, राइस और कई तरह की सब्जियां थी, जिसे देख आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि भाई नाम लेते समय ही मैं तो खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अब इतने स्वादिष्ट भोजन मिलने पर तो शुक्रिया तो बनता है, और ऐसे प्रभास पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो पहले भी कई बार श्रुति के लिए लंच बॉक्स भिजवा चुके हैं। जहां एक तरफ प्रभास श्रुति को खाना भिजवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की एक और क्वीन का दिल आ गया है हमारे प्रभास पर। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, कंगना रनौत की, जिन्हें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थलाइवा के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सवाल का जवाब देते हुए कंगना ने कहा है कि वो साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ वापस से काम करना पसंद करेंगी, जिसके लिए वो डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ को कह चुकी हैं कि अगर प्रभास मेरे संतान करने को तैयार हो दोबारा तो जरूर बताएं। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत इससे पहले 2009 में आई पूरी जगन्नाथ की फिल्म एक निरंजन में प्रभास संग काम कर चुकी हैं, और दर्शकों ने इस फिल्म को भी काफी पसंद किया था। तो अब देखना है कि जहां श्रद्धा कपूर और जल्द ही दीपिका संग दिखने वाले हैं प्रभास, वहीं क्या एक बार फिर कंगना संग नजर आएंगे बाहुबली। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप प्रभास और कंगना की जोड़ी को फिर से देखना पसंद करेंगे बिग स्क्रीन पर, और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। सलार का मतलब, क्या फिल्म में प्रभास निभाते दिखेंगे विलन के राइट हैंड का किरदार, कौन सी फिल्म में जल्द ही आ रही है प्रभास की। नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जैसे आम इंसान के जीवन में कई यादें अपनी अलग छाप छोड़ जाती हैं, वैसे ही फिल्मों में दिखाए किरदार भी आम लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं, जैसा 2015 में ISS राजा मौली की फिल्म बाहुबली ने किया। और तभी मैं भी प्रभास का जिक्र करने से पहले उनकी इस फिल्म का जिक्र कर देती हूँ, पर एक कलाकार के लिए भला इससे अच्छा एप्रिसिएशन और क्या होगा। बाहुबली फ्रेंचाइजी की फिल्मों के बाद जहां प्रभास का ग्राफ बढ़ता ही चला गया, वहीं दूसरी ओर साहू से कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग करियर पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता था, पर फिर भी किसी ने उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया। तभी तो साहू के बाद भी एक के बाद एक महान डायरेक्टर्स की फिल्में प्रभास को मिलती चली जा रही हैं। जी हाँ, जल्द ही राधे श्याम, आदिपुरुष और प्रशांत नील के निर्देशन में बनने वाली सलार फिल्म में नजर आने वाले हैं प्रभास। बात सलार फिल्म की करें तो पहले तो मैं आपको सलार का मतलब समझा देती हूँ। दरअसल सलार का मतलब होता है सेनापति, सरदार, और प्रशांत नील की भाषा में कहें तो राजा का राइट हैंड। इसी के साथ प्रशांत ने ये भी कहा कि सलार में प्रभास का किरदार बेहद हिंसक है। खलनायक जितना मजबूत होता है उसकी विरासत और हौसला उतना ही मजबूत होता है जिसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। विलन नहीं, पर विलन से कम भी नहीं, ऐसा होने वाला है प्रभास का किरदार और सलार का असल मतलब भी। तो टाइटल और डायरेक्टर के कहने से तो लग रहा है कि फिल्म में वॉयलेंट प्रभास शायद विलन तो नहीं, पर विलन से कम भी नहीं होने वाले हैं इस फिल्म में, और शायद वो विलन के राइट हैंड का काम करते देखेंगे जो कुछ साल पहले 2005 में आई फिल्म अपहरण की याद दिला देगा, जिसमें अजय देवगन की भूमिका का कुछ कुछ असर आने वाला है। सलार फिल्म के में प्रभास के किरदार को देख सकते हैं, पर अभी इस पे कुछ भी ऑफिशियल कहा नहीं जा सकता है जब तक कोई साफ साफ ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए। तो देखते हैं क्या हमारा अनुमान फिल्म की कहानी के किरदार को लेकर सही साबित होता है, या फिर प्रशांत नील ने कुछ और ही कॉन्सेप्ट सोचा है प्रभास के किरदार के लिए। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप प्रभास को अपहरण के अजय देवगन के किरदार में देखना पसंद करेंगे, और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और घायल शेर की सांसें
उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या फिल्म में ज्योतिका दिखेंगी? क्या होने वाला है फिल्म में श्रुति हसन का किरदार? क्या सलार एक रीमेक फिल्म होगी? नमस्कार, बॉलीग्रेड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं रिलीजिंग के लिए, जिसमें राधे श्याम आदि पुरुष और डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है। जी हां, आने वाली सलार फिल्म से प्रभास तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबरदस्त लुक सामने आया है, तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट देखी गई है। फिल्म में पहली बार प्रभास और श्रुति हसन की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा और इस फिल्म में श्रुति हसन एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती हैं, पर अभी तक इस पर कुछ ऑफिशियल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है और वो है साल 1997 में बॉलीवुड की फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ज्योतिका का, जो अब आने वाली फिल्म में प्रभास की बहन का रोल करते हुए नजर आ सकती हैं। ज्योतिका तमिल, तेलुगु, हिंदी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी हैं। उन्हें वाली, टैगोर, खुशी, मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है। सलार में उनका रोल होगा या नहीं, वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं, इसकी कंफर्मेशन मेकर्स द्वारा अभी तक नहीं की गई है। तो देखते हैं क्या ज्योतिका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं। बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरें काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कन्नड़ फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था, पर इस बात से सलार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि सलार फिल्म की कहानी एकदम नई है और जो सिर्फ उन्होंने प्रभास के लिए लिखी है। तो देखना है जब फिल्म सलार आती है तो क्या उसमें कुछ हिस्से उग्रम के होते हैं या फिर सच में ये फिल्म एकदम अलग और जबरदस्त होने वाली है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आने वाली फिल्म सलार के लिए कितनी एक्साइटमेंट है। और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या सलार और KGF चैप्टर 2 का क्लैश होगा? KGF चैप्टर 2 को सलार के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग। हालांकि ये एक फ्रेंडली कंपटीशन है, लेकिन फिर भी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस घमासान रेस का बादशाह कौन सी फिल्म बनती है। सलार और KGF 2 की तुलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन इन्हीं सिमिलैरिटीज को पार ले जाकर कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है, यही होगी इस पिक्चर की अचीवमेंट। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही फिल्मों को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। वैसे तो प्रशांत नील साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से ही मूवीज बना रहे हैं, लेकिन KGF चैप्टर 1 के साथ जो बॉम्ब उन्होंने फोड़ा है, वही से प्रशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है। इस वजह से KGF चैप्टर 2 के लिए भी लोग दीवानों की तरह इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस रेस में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है, जो है सलार। सलार भी प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है और ये भी एक वजह है कि लोग इन दोनों मूवीज को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों के सिमिलैरिटीज में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है। भुवन गौड़ा सलार और KGF फिल्म सीरीज के सिनेमाटोग्राफर है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है और इनकी पिक्चराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी के लेवल को छू पाना काफी बड़ी बात है। KGF चैप्टर 1 में इतनी रियलिस्टिक और जबरदस्त सिनेमाटोग्राफी के बाद भुवन गौड़ा को बहुत तारीफें मिली और सलार में भी भुवन गौड़ा ही सिनेमाटोग्राफी करने वाले हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती क्योंकि सिमिलैरिटीज की लिस्ट में प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है।
केजीएफ चैप्टर 2 और सलार दोनों को ही होमले प्रोडक्शन कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। दोनों ही कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये हम सभी जानते हैं, इसलिए इन दोनों फिल्मों को कंपेयर किया जा रहा है। दोनों में से कौन सी पिक्चर बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स को फोड़ती है ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। इन दोनों फिल्मों की तुलना करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड एक्टर हैं। केजीएफ चैप्टर 2 में हमें दिखने वाले हैं यश, वही सलार में प्रभास, और इन दोनों को ही एक्शन अवतार में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इन दोनों फिल्मों में ये हेल्दी कॉम्पिटिशन वाली रेस में जीत किसकी होगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए। जो सीखा है आपसे सीखा है। किसी फिल्म के कॉन्सेप्ट को किया जाने वाला है सलार में रिपीट? क्या नेवर सीन बिफोर लुक में होने के बावजूद भी प्रभास के कैरेक्टर को किया गया है रिपीट? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई और फ्रेश वीडियो में, जहां आपको मिलेगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। सलार फिल्म को लेकर हिंदी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रभास की पिछली सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के बाद से हिंदी ऑडियंस के बीच प्रभास का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। कई सारे लोग वेट कर रहे हैं कि प्रभास अपनी अगली फिल्म को लेकर कब बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेंगे। हिंदी भाषी ऑडियंस बॉलीवुड की रिपीटेड रीमेक फिल्मों से बोर हो चुकी है। साउथ की जो इस तरह की पैन इंडिया फिल्म रिलीज होती है तो एक ओरिजिनल कंटेंट और एक एक्चुअल ओरिजिनल एक्टिंग फैंस को देखने को मिलती है, जो कि उन्हें काफी एक्साइट करती है। शायद दोस्तों यही वजह है कि सलार के डिजिटल राइट्स अभी से ही 100 करोड़ के पार बिक चुके हैं। श्रद्धा कपूर के साथ रिलीज हुई प्रभास की फिल्म साहू ने भी बॉलीवुड में काफी बड़ा बिजनेस किया था। हर कोई देखना चाहता है कि इस बार किस तरह का प्रभास किरदार निभाने वाले हैं फिल्म सलार में। जहां अभिनेता हिट हुई फिल्म बाहुबली में एक राजकुमार के तौर पर नजर आए थे, वहीं साहो में उनका लुक पूरी तरीके से एक हैंडसम डैशिंग एटीट्यूड मैन का हो गया था। इस बार दोस्तों सुनने में आया है कि दोनों ही पोस्टर में प्रभास के दो अलग अलग लुक दिखाई जा रहे हैं, जहां वो रंग और हल्के से बियर्ड लुक में नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों पोस्टर में मिडिल एज मैन दिखाई दे रहे हैं जो कि हाथ में बंदूक लिए बैठे हैं, और आसपास इतना ज्यादा धुआं है और इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है कि मानो अपने सभी दुश्मनों को अभी उन्होंने ढेर कर दिया हो। लेकिन जिस तरह से फिल्म की कहानी सामने आ रही है और प्रभास का लुक दिखाया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं इस बात की अफवाह मार्केट में काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है कि एक आम किसान की कहानी सलार में दिखाई जाने वाली है। दोस्तों कुछ साल पहले रिलीज हुई प्रभास की फिल्म रिबेल में प्रभास का लुक डबल रोल दिखाया गया था, जहां वो एक में दोस्तों जहां एक डॉन के किरदार में थे, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एक आम गांव के आदमी थे जिसने डॉन बनकर अपने गैंग में भेज दिया जाता है खबर निकालने के लिए। अब दोस्तों अफवाहें उठ रही है कि यही कहानी और इसी तरह का कॉन्सेप्ट इस बार सलार फिल्म में भी देखा जा सकता है। और कई सारी रिपोर्ट्स की तो दोस्तों ये भी बताती है कि इस फिल्म में प्रभास का डबल रोल होने वाला है, तो इस बात पर पक्की मोहर लगने में अब कुछ ज्यादा सवाल खड़े करे तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आखिर में सच्चाई क्या है। दोस्तों ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों जिस तरह का किरदार हो, जिस भी एंग्री मैन लुक में प्रभास को दिखाया गया है, मेकर्स कह रहे हैं कि एक नेवर सीन बिफोर लुक होने वाला है प्रभास का। बावजूद इसके उनकी पहली फिल्म में उन्हें इस तरह से देखा जा चुका है कि उन्हें एक हम एंग्री यंग मैन तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों हम नहीं जानते कि फिल्म में आखिर कितनी ज्यादा थ्रिल और इंटेंसिटी भरी हुई है। लेकिन उनका किरदार वापस से रिपीट हो रहा है इस बात की 98% लोग सच मान रहे हैं। एक तरफ जहां सलार फिल्म से प्रभास के लुक को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, वहीं दोस्तों अब वाकई सारे कंपोजर्स इस फिल्म के हो रहे हैं और अब धीरे धीरे फिल्म का क्रेज कम होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, फिर से प्रभास का लुक और फिल्म का कंसेप्ट रिपीट किया जाएगा? अपने व्यूज हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है कोमल तिवारी। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। सालार को लेकर उठ रही अफवाहों की आखिर क्या है सच्चाई? सालार ने कैसे बढ़ाई श्रुति हसन की
बॉलीवुड में मुश्किल है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, तहे दिल से स्वागत है आपका वापस से आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फ्रेश एंड न्यू वीडियो में। अगले साल अप्रैल में रिलीज हो रही है प्रभास और श्रुति हसन की फिल्म सालार। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील। फिल्म में एक और बेहद ही उम्दा कलाकार है तो दूसरी और एक बेमिसाल डायरेक्टर। प्रशांत और प्रभास पहली बार एक साथ काम करते आएंगे नजर। फिल्म मेकर्स ने इस साल जनवरी में इस मूवी का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया था। फिल्म मेकर्स का कहना है कि प्रभास को इस मूवी में एक्सट्रीम वॉयलेंट रोल निभाते हुए और साथ ही इस मूवी की लीडिंग एक्ट्रेस श्रुति हसन के साथ रोमांस करते हुए दिखाया जाएगा। ये फिल्म एक नेक्स्ट लेवल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में नजर आएंगे। जहां मूवी में एक और प्रभास की कमाल की एक्टिंग लोगों से नहीं संभलती, ऐसे में डबल रोल, वो भी इंटेंस डार्क थ्रिलर एक्शन सागा मूवी आएगी तो क्या ही आलम होगा। इस बात को तो कहते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभास का ऐसा अवतार आज से पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा गया है। बीच में इस मूवी को लेकर कुछ अफवाहें उठी थी कि इस मूवी में विलन के रोल के लिए जॉन इब्राहिम को अप्रोच किया गया है, मगर फिल्म के डायरेक्टर ने प्रेस इंटरव्यू में इस बात से साफ इनकार कर दिया था और ये भी कहा था कि इस मूवी में विलन का रोल कुछ खास अहम नहीं होगा। तो माना जा सकता है कि शायद प्रभास खुद ही एक रॉ एक्टर हु टर्न्ड आउट टू बी अ विलन का रोल निभा सकते हैं। इस मूवी से जुड़ी एक अफवाह ये भी थी कि ये प्रशांत नील की ही एक मूवी उग्रम का रीमेक है, मगर डायरेक्टर ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए स्टेटमेंट दिया कि ये मूवी पूरी तरीके से ओरिजिनल कंसेप्ट पर बेस्ड है। इस मूवी के लिए प्रभास ने जिम में हैवी वेट्स के साथ काफी एक्सरसाइज की ताकि वो खुद को इस रोल में काफी बेहतर तरीके से ढाल सके। इस मूवी में प्रभास के लुक्स और मूवी स्टोरी को जहां एक तरफ काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक बात से काफी खफा है। होमबली फिल्म्स कन्नड़ा बेस्ड फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। फैंस का कहना है कि अपने कन्नड़ एक्टर्स के साथ काम करने की बजाय और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बजाय वो एक आउटसाइडर यानी कि तेलुगु सुपरस्टार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स सिर्फ अपना फायदा और पैसे कमाने का सोच रहे हैं। आखिर में इस आउटरेज को शांत करने के लिए इस फिल्म को ओरिजिनली कन्नड़ और तेलुगु में शूट करने का फाइनल किया गया है। प्रभास से थोड़ी सी नजर हटाए तो फिल्म की लीड इन एक्ट्रेस के तौर पर श्रुति हसन को कास्ट किया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान श्रुति हसन से उनका सालार फिल्म में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और प्रभास के साथ उनका कैसा तालमेल रहा, ये सवाल पूछा गया था। श्रुति हसन ने जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में कोल्ड कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है। श्रुति हसन ने साउथ इंडस्ट्री के सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया है सिवाय प्रभास के। इस फिल्म के बाद उनकी इस विश लिस्ट पर भी टिक लग जाएगा। इंटरव्यू के दौरान इस सवाल का जवाब देते हुए श्रुति हसन ने प्रभास की जमकर तारीफ की। हालांकि प्रभास की सभी फिल्मों की एक्ट्रेसेस उनकी हमेशा जमकर ही तारीफ करती हैं, लेकिन काफी सीरियस अंदाज में श्रुति हसन ने ये स्टेटमेंट दी कि प्रभास दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। कई सारे एक्टर्स ड्रामा करते हैं कि वो डाउन टू अर्थ और जेन्युइन है, लेकिन असल जिंदगी में उनका असली चेहरा कुछ और ही होता है। लेकिन प्रभास सच में दिल से काफी ज्यादा अच्छे हैं और अभी तक जिन जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है उसमें से प्रभास उनके लिए बेस्ट एक्टर साबित हुए हैं। साउथ इंडस्ट्री के रीजनल स्टार की इतनी तारीफ करते हुए श्रुति हसन ने बॉलीवुड के कुछ पॉपुलर स्टार्स का दिल तोड़ दिया, जिसके बाद से खबरें आ रही है कि श्रुति हसन की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट्स भी कैंसिल हुए हैं। हालांकि किसी भी तरह से श्रुति ने अपने स्टेटमेंट वापस ना तो ली, ना ही किसी तरह का मॉडिफिकेशन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को लेकर जस्टिफाई किया है। अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि सालार फिल्म से श्रुति हसन की पॉपुलैरिटी बढ़ती है या फिर उन्हें स्टेटमेंट की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बात फिल्म की करे तो अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है और जितने ज्यादा अनुमान लगाए जाएंगे फिल्म के लिए क्यूरियोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगले साल अप्रैल तक ये सबर हम सभी को बनाए रखना होगा। देखते हैं कि आखिर इनोसेंट प्रभास का एक्सट्रीम वॉयलेंट लुक दर्शकों को कितना पसंद आता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने कीमती व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शंस में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम, कैसे हो भतीजे? अपने चाचा से बहुत नाराज है ना? क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। कोई मरता है तो कोई जीता है, मुझे मारना चाहता है।
है श्रुति हसन का सलार में किरदार। कितना चार्ज कर रही है श्रुति हसन सलार फिल्म के लिए? कौन से डांस नंबर पर परफॉर्म करती नजर आ रही है श्रुति हसन? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। प्रभास की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी सलार को जल्द ही अगले साल रिलीज कर दिया जाएगा। सलार को डायरेक्ट कर रहे हैं KGF के सुपरहिट डायरेक्टर प्रशांत मीर। फिल्म को लेकर फैंस के बीच में काफी ज्यादा बेसब्री है, इसलिए हर कोई फिल्म को लेकर हर दिन नई नई फैन थियरी सोशल मीडिया पर डालता रहता है। इस फिल्म को लेकर कई सारे अफवाहें भी हर दिन सुनने को मिलती है। इससे पता चलता है कि फिल्म को लेकर लोग कितने ज्यादा क्यूरियस है। मूवी में भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है। सलार एक पैन इंडिया फिल्म है। इस फिल्म को 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में श्रुति हसन एक लीडिंग एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगी। आज के हमारे खास वीडियो में हम सलार फिल्म से अपने करियर को एक लेवल अप पर ले जाने वाले हैं। एक तरफ जहां सलार फिल्म के पोस्टर में सुपरस्टार प्रभास को देखकर ऑडियंस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो रही है, वहीं श्रुति हसन का रोल भी काफी इंटेंस और बोल्ड नजर आने वाला है। ओमली प्रोडक्शंस ने श्रुति हसन को उनका बर्थडे विश करते हुए एक पोस्टर रिलीज किया था, और जिसमें उन्होंने श्रुति हसन का सलार फिल्म में होने का कंफर्मेशन दिया था। बॉलीवुड में भी अपना कमाल दिखा चुकी श्रुति हसन सलार फिल्म में किस किरदार में नजर आने वाली है, ये फैंस काफी ज्यादा टाइम से जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि श्रुति हसन का किरदार फिल्म में किस तरह का नजर आएगा। सलार फिल्म में श्रुति हसन एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाने वाली है। एक तरफ प्रभास का किरदार अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, वहीं श्रुति हसन जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आने वाली है। तो ऑटोमेटिकली दोनों का कनेक्शन किस तरह से बैठेगा, ये साफ नजर आ रहा है। एक लव स्टोरी के तौर पर दोनों को साथ में देखा जाएगा, जहां श्रुति हसन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर सलार यानी कि प्रभास का पर्दाफाश करने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाएगी, और आखिर में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। फिल्म एंड तक बहुत इंटेंस एक्शन से भरी हुई नजर आने वाली है, जिसमें श्रुति हसन भी हाई वोल्टेज एक्शन करती हुई देखी जाएगी। जब फिल्म इतनी बड़ी है और इतना बड़ा सुपरस्टार हो, वही हाई पे चेक होना तो बनता है। सलार की हीरोइन यानी कि श्रुति हसन भी इस फिल्म के लिए काफी बड़ा अमाउंट चार्ज कर रही है। श्रुति हसन की लाइफ में सलार एक करियर चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग मूवी होने वाली है। फिल्म के लिए श्रुति हसन ने 1 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। आज से पहले अपनी किसी भी फिल्म के लिए उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट चार्ज नहीं किया है। तो जहां के हाई ऑक्टेन स्टंट्स दिखाई देने वाले हैं, वहीं फिल्म में श्रुति हसन सुपर डांस करती हुई भी नजर आएंगी। जहां फिल्म को 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, वहीं हिंदी और तमिल सॉन्ग्स के लिए श्रुति हसन खुद डांस परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएंगी, और ये भी एक वजह है कि श्रुति हसन फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है। देखते हैं कि ये सब श्रुति हसन की लाइफ में कैसा चेंज लाता है। लड़ाई में कौन पहले मारता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शेर से वो नफरत करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया व्या के भाषण झाड़ते हैं। कैसे बना सलार से प्रभास का कनेक्शन? क्या रॉकी भाई और बाहुबली के बीच अटकी हुई थी ये फिल्म? क्या है प्रशांत नील की फ्यूचर प्लानिंग? हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स, वो भी मेरे यानी श्रुति के साथ। बॉक्स ऑफिस के बाहुबली प्रभास अब बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। बाहुबली के बाद से हिंदी सिनेमा में भी प्रभास एक जाने माने कलाकार बन चुके हैं। पैन इंडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अब रीजनल सिनेमा मेन स्ट्रीम सिनेमा बनने की पूरी तैयारी में है। बाहुबली के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म साहू ने पूरी इंडस्ट्री और हिंदी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सुपर डांस मूव्स, एक्शन सीन्स और प्रभास का एटीट्यूड सभी को काफी पसंद भी आया था। हर बार फिल्मों में प्रभास का एक नया अवतार सामने आता है। हर फिल्म में अपने किरदार में प्रभास इस तरह से घुस जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि प्रभास एक्टिंग कर रहे हैं। लगता है जैसे कि ये प्रभास की ही पर्सनालिटी है। इसलिए डायरेक्टर्स को भी प्रभास के साथ काम करने में और नए नए कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने में काफी मजा आता है।
ऐसा ही एक बड़ा कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट किया है केजे डायरेक्टर प्रशांत नील ने। प्रशांत नील की नेक्स्ट फिल्म सालार में प्रभास को एक नेवर सीन बिफोर लुक में दिखाया जाने वाला है। फिल्म के पोस्टर जब रिलीज किए गए थे उसी के नीचे टैगलाइन थी, मोस्ट वायलेंट मैन वंस कॉल्ड अ मैन मोस्ट वायलेंट। इस लाइन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितना ज्यादा एग्रेशन इस बार दिखाया जाने वाला है। प्रभास